ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेसिमोस के सारे टाइप पढ़ लिए थे, है ना? साइमोस के नहीं पढ़े थे ना? यस बच्चों थोड़ा यस बोलो तो कुछ, है ना? ओके 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 सो लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइमोस इनफ्लोरेसेंस. तो ये पढ़ लिया था कैटकीन, फिर स्पैडिक्स, देन कोरिम्ब and all these compound corymb, umbel and compound umbel, capitulum, racemose head, ये चीज पढ़ी थी. इसके ऊपर है ना एक क्वेश्चन भी मैंने है ना दिया है आपको, इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया था आपको, है ना? ठीक है, मतलब उस कल परसों हमने डिस्कस भी किया उस चीज को. नाउ आते हैं डेफिनेटली बेटा साइमोस की तरफ. साइमोस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में बात करते हैं. तो जब भी हम लोग साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने तो आपको ये पहले भी डिफरेंस बता के रखा है कि रेसिमोस और साइमोस में एक बेसिक डिफरेंस है. रेसिमोस का क्या मतलब है? रेसिमोस के केस में ऑब्वियसली बेटा इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है, टर्मिनल पोजिशन पे फ्लावर नहीं होता, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, सेंट्रीपिटल ओपनिंग होती है. यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइमोस के केस में सेंट्रीफ्यूडल ओपनिंग होती है और जो अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेटली बच्चों हमें देखने को मिलता है इसके केस में. वो कैसा है ना अरेंजमेंट, कैसा बेटा इसमें बोलो? Recipital है, ठीक है. और ओपनिंग कैसी होती है? तो सेंट्रीफ्यूगल ओपनिंग होती है. सो ऑल दिस बेसिक सिंपल पॉइंट हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़े हैं, वही मुद्दे यहाँ पे है. तो देखो यहाँ पे अब हमें देखना है टाइप्स के बारे में, मतलब क्या क्या टाइप होते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के. एक टाइप है जिसको हम लोग यहाँ पे कह रहे बच्चों है ना यूनिपैरस, दूसरा है बाईपैरस, तीसरा है पॉली मल्टीपैरस. यूनिपैरस को ही हम लोग मोनोचेजियल कहते हैं, बाईपैरस को हम लोग डाईचेजियल कहते हैं, और मल्टीपैरस को हम लोग पॉलीचेजियल भी कहते हैं, ठीक है. अब आपको यहाँ जो ये इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है, डेफिनेटली बेटा यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है, यहाँ पे भी टर्मिनल, ये जो ब्रांच चाहिए इस पे बेटा फ्लावर है, यहाँ पे भी आपको फ्लावर दिखाई देता है, मतलब इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती. न्यूअर वन इज द बेस, ओल्डर वन इज एट द टिप, तो है ना बेसिपिटल अरेंजमेंट है. सो ये सब कुछ है, तो हमें टाइप देखने हैं क्या क्या मतलब होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिपैरस या मोनोचेजियल का क्या मतलब है. द पेडंकल, पेडंकल मतलब इन्फ्लोरेसेंस की ब्रांच, ठीक है, एंडिंग इन ए फ्लावर प्रोड्यूसिंग वन लैटरल ब्रांच एट ए टाइम, एंडिंग इन ए फ्लावर. तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली देखो हम लोग बात करते हैं, ये देखो ये मैंने ऐसे बना दिया, अब ये पेडंकल है और पेडंकल का एंड जो है यहाँ पे फ्लावर आ गया, और इस यहाँ से बेटा एक ब्रांच निकली यहाँ पे फ्लावर आ गया, फिर एक ब्रांच निकली यहाँ पे फ्लावर आ गया, फिर एक ब्रांच निकली, तो वन साइड में ब्रांच निकल रही है फ्लावर आ रहा है, ठीक है. तो ऐसा अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है, या तो ऐसा भी अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, देखो ये है टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आया, इससे एक ब्रांच निकली एक साइड में, वन साइड में, ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर आया, फिर इसके यहाँ पे ब्रांच निकली यहाँ पे फ्लावर आया, फिर ब्रांच आया यहाँ पे, इस तरह से बेटा आपको कंडीशन देखने को मिलती है. तो यहाँ एक बात सिंपल है कि है ना, एक तो एंडिंग में फ्लावर होगा ही होगा, प्रोड्यूसिंग वन लैटरल ब्रांच, और हमेशा एक ही लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस होगी, वन लैटरल ब्रांच प्रोड्यूस होती है, इसीलिए इसको यूनिपैरस बोलते हैं या मोनोचेजियल बोलते हैं, एक ही लैटरल ब्रांच निकलती है. अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें दो टाइप है, एक ये और एक ये, मतलब एक है हेलिकॉइड साइन और दूसरा है स्कॉर्पियोइड साइन, ठीक है. तो जैसे भी मैंने वन बाय वन रिस्पेक्टफुली ड्रॉ किए हैं आपके सामने हैं, फिर भी देख लेते हैं. यहाँ पे देखो हेलिकॉइड साइन कैसा होता है, व्हेन ऑल लैटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन द सेम साइड. फिर से बना देता हूं, देखो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से, तो हेलिकॉइड हो गया ये, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे कॉइल होके चला जा रहा है सामने, तो डेफिनेटली बेटा इसको हेलिकॉइड साइन कहते हैं. वन साइड में ही लैटरल ब्रांच आती है, दूसरे अपोजिट साइड में नहीं आती, जैसे कि हेलियोट्रोपिज्म या सरा का मतलब अशोक का प्लांट जो पेड़ होते हैं,
इनके केस में बेटा आपको ऐसे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे हेलिकॉइड साइम। आप दोनों ही केस में तो ऐसे झुकता चला जाएगा, ये इधर भी ऐसे टर्न होगा, ठीक है। फिर आता है बच्चों स्कॉर्पियोइड साइम। स्कॉर्पियोइड साइम में क्या होता है, इन दिस टाइप ये हेलिकॉइड है ना, इन दिस टाइप वन लैटरल ब्रांच डेवलप्स, मतलब फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो ये ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये है स्कॉर्पियोइड, ठीक है। सो इन दिस टाइप वन लैटरल ब्रांच डेवलप्स ऑन वन साइड एंड द अदर वन ब्रांच डेवलप्स अपोजिट टू द फर्स्ट वन। तो पहला यहाँ पे ऐसा है, तो दूसरा ऐसा है, फिर तीसरा ऐसा, लाइक दिस इट विल गो ऑन। सो दे लाई अल्टरनेट टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल वाइन या बिगोनिया, ठीक है। इनके केसेस में आपको स्कॉर्पियोइड साइन नजर आता है। सो सिंपल है, ये नहीं है, ये रॉन्ग पोजिशन पे है डायग्राम, ये सही नहीं है। तो ये जो डायग्राम्स है बेटा, ये हमें सिर्फ यूनिचेजियल साइन के बारे में थी, है ना, यूनिफेरस साइन के बारे में थी। अब यार कोई भी बच्चा समझ सकता है कि बायपेरस साइन का मतलब क्या होगा, बोलिए। Sir, can you wait for a minute? Because I am writing it. You are writing it? Why you are writing it, beta? Sir, little drawings and that all. Acha, okay. Have you collected the notes? Sab bachcho ne collect kiya hai kya? Arey notes nahi collect kiya apne? Center se mile hai kya aapko? Yes, sir. A module mein. Modules na? Haan, modules. मॉड्यूल्स कलेक्ट कर लो, क्योंकि मॉड्यूल्स में दिया है ना मैम, मॉड्यूल्स में ये मॉड्यूल्स में सब कुछ है। सेकंड मॉड्यूल आप कलेक्ट करो, वही मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए है ना। सर हमें नोट्स में क्या क्या लिखना है फिर? नोट्स में नोट्स आपको मैंने बताया कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, आपको ट्री डायग्राम बनानी है। जो मॉड्यूल दिया है ना उसमें जो ये सब जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ मॉड्यूल में है, तो उसका आपको ट्री डायग्राम्स बनाने हैं। ये सपोज जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस की शुरुआत करोगे, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस को शुरू करके फिर आगे दो टाइप लिखोगे, रेसिम और साइम, है ना। फिर रेसिम के बहुत सारे टाइप है, उनके बारे में लिखो और एग्जांपल्स लिखो। जैसे मैंने रूट्स का करके दिखाया था क्लास में, यस सर, है ना। तो देखो मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें हमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि हम लोग लिख नहीं पाएंगे, बट मुद्दा है कि हमें कितना दिन तक ये याद रहना है, तो उसके लिए हमें ट्री डायग्राम्स बनानी पड़ेगी। इसलिए जितनी बार हम लोग ट्री डायग्राम बनाएं और देखें उस ट्री डायग्राम को, उतना बेटा हमारे एक ही ग्रास्प में सारे एग्जांपल्स एक साथ दिखते हैं, तो वो हमें अच्छे से याद रहते हैं। दैट इज द ओनली, है ना, वे, बेस्ट वे, ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर। अभी देखो डाइजेजियल साइन या बायपेरस साइन का क्या मतलब है। बायपेरस साइन और एक है, हाँ एक पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको ये सब देख देख के लिखना भी है तो पहले एक आप पहले इसको समझ लो जो मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आपको लिंक तो मिल ही जाए, IIT हम सबके चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा ही। तो बेटा आपको अगर लिखना ही है तो वहां से आप बिल्कुल देख के लिख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द अनदर वे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडंकल एंड्स इन ए फ्लावर फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द पेडंकल। अब यहाँ ऑब्वियसली बेटा देखो, मैंने अगर ये एक मेन पेडंकल बनाया तो यहाँ वन साइड में बना दूंगा तो ये म्यूनिचेजियल है, बट यहाँ पे क्या है, नोड पे दो साइड में बना देता हूँ, ओके। फिर से इसके ऊपर मैं दो साइड में बना देता हूँ, इसके ऊपर भी दो साइड में बना देता हूँ, तो ये हो जाता है। हमेशा जब भी दो ब्रांचेस आएंगे, दो लैटरल ब्रांचेस आएंगी, इसीलिए इसको हम लोग डाइचेजियल या तो बाईपेरस साइन कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो पेडंकल जो है ना, टू लैटरल ब्रांचेस अराइज व्हिच आल्सो एंड इन द फ्लावर। तो लैटरल ब्रांच है, फ्लावर है, ठीक है। नाउ दिस सेम अरेंजमेंट ऑकर्स ऑन दीज लैटरल ब्रांचेस, मतलब इसके ऊपर भी है ना ये आ गए और इसके ऊपर भी सेम वैसा ही अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं डाइचेजियल साइन, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल है बच्चों, बुगेनवेलिया, जास्मिन, टीक, मिराबिलिस, ये सारे उसके एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, यस। आगे बढ़े, ये समझ में आया डाइचेजियल साइन क्या, दो साइड दो ब्रांच आए यहाँ, तो डाइचेजियल साइन है, ठीक है। अब आप इतना इंटेलिजेंट जरूर हो कि आपको मल्टीपेरस या पॉलीचेजियल का मतलब है ना आप 100% समझ सकते हो।
मतलब अगर मैंने ये ऐसा मेन पेडंकल बनाया, ये टर्मिनेट हो गया फ्लावर से, अब यहाँ पे इस पॉइंट से 1 2 3 4 चार ब्रांचेस लैटरल ब्रांचेस निकली 1 पॉइंट से, मतलब मोर देन 2 इवन सबके ऊपर देखो, इसके ऊपर भी 1 2 3 4 सेम थिंग, इसके ऊपर भी आपको 1 2 3 4 ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इफ यू सी दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इट्स कॉल्ड एज व्हाट द पॉलीचेजियल साइन और मल्टीपेरस साइन। सो इन दिस टाइप इनफ्लोरेसेंस पेडंकल एंड्स इन ए फ्लावर एंड फ्रॉम द बेस ऑफ इट मेनी लैटरल ब्रांचेस अराइज which also terminate in flower and this same arrangement now also occurs on these lateral branches also, matlab ye lateral branch ke upar bhi waisa hi beta aapko arrangement dekhne ko milega। example hai bachcho calotropis and nerium asclepias, ye sab plant hai, nerium humne pehle bhi padha hai world phylotaxy mein, calotropis humne pehle bhi padha hai opposite phylotaxy mein, yes calotropis सफेद रुई ये वाला पेड़ है, देख सकते हो आप लोग, है ना। हाँ बोलिए ना बच्चा। सर ये जो आपने मल्टीपेरस काइम में एक एग्जांपल ड्राइंग बताया सर, उसमें वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं या कोई अलग अलग पॉइंट से भी हो सकते हैं? ये देखो ना, ये नीचे कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। ओके सो दैट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। यस ठीक है, सेम पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ ये जो एग्जाम्पल है, मतलब इनको आप देखोगे, इनका अरेंजमेंट देखोगे, ये जो है सफेद रुई कहते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन, इफ यू हैव सीन एनीवन। सो देखो यहाँ इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है, ये कैलोट्रोपिस है, कैलोट्रोपिस ठीक है, तो मल्टीचेजियल साइन का ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आर यू श्योर हो गए बेटा साइन के टाइप खत्म? यूनिपेरस है ना, हेलिकॉइड, स्कॉर्पियोइड, देन बाईपेरस एंड मल्टीपेरस, तो ये है ना सारे टाइप है ऑफ द साइन। साइन का मतलब है कि टर्मिनल पोजिशन पे फ्लावर आना चाहिए। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे खास करके एम्स के या जिपमर के, तो ये कुछ 2-3 टाइप मैं अभी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले पूछे गए इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। तो पहला स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप है मतलब इनमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि साइम है या रेसिम है, सो दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ साइम या रेसिम, ठीक है, ये पहले तो समझ लो, वी कैन नॉट क्लासिफाई देम कि हाँ ये साइम है या रेसिम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट, दे आर स्पेशल। सो व्हाट इज सायथियम? सायथियम में होता क्या है कि एक सेंटर में एक फीमेल फ्लावर है भाई, ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, दिस इज अ फीमेल फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, एंड इट इज सराउंडेड बाय द मेनी मेनी मेल फ्लावर्स, बहुत सारे मेल फ्लावर उसको सराउंड करते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर होता है, एक्चुअली स्टेमेन ही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ये एक बहुत बड़ा लीफ लाइक अपेंडेजेस आएगा, ठीक है, उसको हम लोग है ना वर्ड देखते हैं इनवोल्यूक्रे बोलते हैं, ठीक है। तो इनवोल्यूक्रे एक बहुत बड़ा सा आउटग्रोथ निकलता है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एक आउटग्रोथ, ठीक है, लीफ लाइक आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, इसी में बेटा बहुत सारे स्टेमेन होंगे, लॉट ऑफ स्टेमेन आर देयर, ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग अ सिंगल फीमेल, ठीक है, एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, जो लॉन्ग है, बहुत बड़ी है इसकी स्टाइल, ठीक है। और फिर जो छोटे छोटे स्टेमेन है ना, यहाँ पे एक्चुअली स्टेमेन को ही एक एक फ्लावर कहते हैं हम लोग, एक एक सिंगल स्टेमेन, ठीक है, ये जो कार्पेल है इसको हम लोग फीमेल फ्लावर कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेपल्स एंड पेटल्स, तो है ना सेपल्स पेटल्स नहीं है डायरेक्ट बेटा, उनको इनवोल्यूक्रे प्रेजेंट है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अ सिंगल फीमेल फ्लावर सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर, ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, तो आपका आंसर होगा बेटा सायथियम, ठीक है, योर आंसर इज अ सायथियम, ठीक है। सो हियर इन्वोल्यूक्रे बिकम्स फ्यूज्ड, ये इन्वोल्यूक्रे है, ठीक है, जो लीफ लाइक अपेंडिजेस होते हैं, टू फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर ऑन द मार्जिन ऑफ इट, सेक्रेटरी ग्लैंड्स आर फाउंड, ठीक है, तो नेक्टर ग्लैंड इसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, एंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कप शेप स्ट्रक्चर अ फीमेल फ्लावर, ए फीमेल फ्लावर इज फाउंड विच मैच्योर्स अर्लियर, तो वो पहले मैच्योरिटी दिखाएगा, ठीक है, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द पेडिसेल
दिस फ्लावर कम्स आउट फ्रॉम द कप शेप स्ट्रक्चर. तो अभी हमने देखा कि फीमेल फ्लावर बहुत लेंदी है और बाहर आ जाता है, ठीक है. एंड फीमेल फ्लावर इज सराउंडेड बाय स्मॉल मेल फ्लावर्स. बहुत सारे मेल फ्लावर है, ठीक है. द मेल फ्लावर्स विच लाई टूवर्ड द सेंटर मैच्योर अर्लियर देन द फ्लावर्स विच लाई टूवर्ड द पेरीफेरी. मतलब देखो, ये है फीमेल फ्लावर. यहाँ मेल फ्लावर है जो बहुत सेंटर में है, वो पहले मैच्योरिटी दिखाते हैं. जो पेरीफेरी में है, जो दूर दूर है, ये वाले, ठीक है, ये थोड़ा लेट मैच्योरिटी शो करते हैं. सो मेल फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअली स्टेमेंस ओनली. तो एक एक स्टेमेन को ही हम लोग एक एक फ्लावर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई पेटल, सेपल, कैलिक्स, कोरोला ऐसा कुछ है ही नहीं. जो भी है स्टेमेन है, कार्पेल है, दैट्स इट, ठीक है. सो दिस इन्फ्लोरेसेंस, हाँ बोलिए सर. जो मेल फ्लावर्स जो सेंटर में होते हैं, वो व्हाई डू दे गेट मैच्योर अर्लियर देन व्हिच आर एट द पेरिफेरी? सी, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एक तो पहली बात हमें ये समझना है कि फीमेल फ्लावर की जो स्टाइल है इतनी लॉन्ग क्यूट है, ठीक है. तो यहाँ पे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे इन 12th स्टैंडर्ड. तो हम लोग बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों ही मेल और फीमेल एक साथ मैच्योर होना नहीं चाहते. अगर दोनों का टाइमिंग एक जैसा एक साथ मैच्योर हो जाता है, तो इंटरनेट कनेक्शन इज गॉन. आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर. यस सर. ओके. तो अगर बेटा अगर समय को डिफरेंशिएट किया जाए, मतलब टाइम एक जैसा नहीं होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों डाइकोगैमी, राइट. इसको कहते हैं डाइकोगैमी, ठीक है. तो डाइकोगैमी कंडीशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए होती है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए ही होता है, ठीक है. तो इसके डिटेल में हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, जब हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है. यस. ओके. तो दिस इन्फ्लोरेसेंस अभी जो भी है उसको आपने एक्चुअली मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. ओके. तो ये इन्फ्लोरेसेंस का एक एग्जांपल आपको बच्चों याद रखना है, वो है यूफोर्बिया, ठीक है. द ओनली सिंगल वन एग्जांपल यू हैव टू रिमेम्बर, दिस इज व्हाट द यूफोर्बिया. ये एग्जांपल आपको याद रखना है ना. देखो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलते हैं वो यही है कि है ना, ऐसा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें आपको इन्वोल्यूक्रे देखने को मिलेगा बहुत बड़ा, ठीक है. तो आपको ये है सायथियम, और दूसरा अ सिंगल फीमेल फ्लावर एक्चुअली कार्पेल इज सराउंडेड बाय मेनी मेल फ्लावर. तो ये है सायथियम, एग्जांपल है यूफोर्बिया. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ व्हाट साया समथिंग इज सेड. अरे तो अभी देखा नहीं बेटा, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज सायथियम. यस सर, गॉट इट. हाँ, इसके बारे में बात की ना हम लोगों ने, ठीक है. सो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग नोट करें, देखो सिंपली फीमेल फ्लावर इज, ये सब कुछ हो गया है. देखो अभी दूसरा टाइप है, वो है वर्टिसिलेस्टर, ठीक है. देख ले स्पेलिंग बेटा, वर्टिसिलेस्टर ये दूसरा टाइप है, सेकेंड टाइप, ठीक है. Now see, this type of inflorescence is found in Labiatae Lamiaceae family. देखो Labiatae मतलब ऐसे plant या ऐसे flower जिनमें सिर्फ दो ही petal होते हैं. Labiatae में दो petal होते हैं, bilabiate होते हैं वो, ठीक है. In this type of inflorescence, leaves are arranged in opposite manner. दो leaves होंगे जो opposite manner में arranged होंगे, and from the axil of each leaf, हर leaf के axil में each leaf inflorescence develops. From the main axil, lateral axil arises on which flowers are found. Now देखो जब तक आप इसका डायग्राम नहीं देखोगे, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो आपको क्लिक नहीं होगा. हम लोग डायग्राम देखते हैं. Now from these branches, lateral branches develop also. So ठीक है, see this one. यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल फंडा है, हम लोग देख रहे हैं. आपने कभी तुलसी का पेड़ देखा होगा, उसमें मंजुला आते हैं छोटे छोटे ब्राउनिश कलर के, पर्पलिश कलर के, इफ यू हैव सीन द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है. या ये जो भी आप देख सकते हो, ये एक लीफ आपको दिखाया जा रहा है. यहाँ पे एक सिंगल लीफ है बच्चों, ये एक लीफ है और दूसरा उसके अपोजिट में एक लीफ है. मतलब देखो ये एक लीफ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये एक लीफ आया है, ठीक है. ये दूसरा लीफ है बच्चों,
नजर दूसरा लीफ है। अब यहाँ पे जो एक्सिस है आपको सेंटर में जो एक्सिस दिखाया था, यहां से बेटा एक ऐसा इनफ्लोरेसेंस पेडेंकल निकलेगा और अपोजिट में दूसरा एक पेडेंकल निकलेगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया फ्लावर पे यहाँ पे। तो बताओ ये साइमोज है कि रेसिमोज है? पेडेंकल आया है एक्सिस से एक्सियल से दोनों तरफ और बेटा दोनों ही पेडेंकल फॉल फ्लावर से टर्मिनेट हो चुके हैं, तो ये साइमोज है या रेसिमोज है? साइमोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, साइमोज है। ओके, मैं क्या करता हूँ अभी, और सब लोग बताओ ध्यान से। देखो यहाँ से है ना एक लैटरल ब्रांच निकली, टर्मिनेट हो गया फ्लावर से यहाँ पे, देखो ठीक है, सेम थिंग। बताओ ये क्या है बेटा, यूनिपेरस साइम है, बाईपेरस साइम है, मल्टीपेरस साइम है, क्या है ये? बाईपेरस साइम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बाईपेरस साइम। अब क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना, अब एक अजीब सी बात होती है, इसके ऊपर एक ब्रांच आएगा, इसके ऊपर ब्रांच आएगा, ऐसे जो बाद में मैंने ड्रॉ किया वो यूनिपेरस है ना? हाँ, तो वर्टिसिलेस्टर की ये स्पेशलिटी है। इसमें है ना बायचेजियल मोनोचेजियल कंडीशन आपको देखने को मिलती है, बायचेजियल मोनोचेजियम, समझ रहे हो? मतलब क्या है, पहले बायपेरस डायपेरस कंडीशन आती है और उसके बाद उसके ऊपर बेटा मोनो यूनिपेरस कंडीशन आ गई, ठीक है। सो ऑन दीज ब्रांचेस फ्लावर्स आर फाउंड ऑल्सो इन दिस इन्फ्लोरेसेंस ईच डायचेजियल साइन, देखो ईच डायचेजियल साइन चेंजेस इंटू मोनोचेजियल, दैट इज अ स्कॉर्पियोइड साइन, ठीक है। तो वो स्कॉर्पियोइड साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो है ना, एंड सो दैट इट इज अ डिफरेंट टाइप, इट्स नॉट रेगुलर साइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायचेजियल मोनोचेजियम और मोनोचेजियल डायचेजियम, जो आपको बोलना है आप बोल सकते हो, दैट इज नॉट द इशू। बट दो लीफ है, अपोजिट लीफ है, उनके एक्सिल में बेटा आपको इन्फ्लोरेसेंस दोनों साइड में लैटरल ब्रांचेस के साथ देखने को मिलेगा। बट ये जो भी इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलते हैं पहले डायचेजियल होते हैं और उसके बाद में वो मोनोचेजियल होते हैं, खास करके स्कॉर्पियोइड मोनोचेजियल होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा सेल्विया है ना, सेल्विया, और दूसरा है ऑसिमम। ऑसिमम याद रख लो तुलसी वाला, ठीक है, तुलसी के जो पेड़ है उनमें जो इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं बेटा, उनमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। बच्चों एवरीवन इज क्लियर? हाँ बच्चों सबको क्लियर है, है ना? ओके, सो ये है कौन सा टाइप, वर्टिसिलेस्टर। कौन सा बेटा? वर्टिसिलेस्टर डायचेजियल मोनोचेजियम, ठीक है, ऑसिमम सैंक्टम। अब एक होता है हाइपैंथोडियम। हाइपैंथोडियम मतलब एक्चुअली ये जो होते हैं वो फीग में आपको देखने को मिलते हैं। फीग जो होता है उसने उसको अगर आप लोगों ने खाया होगा, फीग फ्रूट जो होते हैं, अगर वो आपने कभी खाया होगा, जिसको हम लोग हिंदी में अंजीर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंजीर, ठीक है। तो अगर आपने अंजीर खाए होंगे, है ना, तो बच्चों यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है ना, देखो मुद्दा बहुत ही सिंपल है। इसमें एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस ही अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए फ्रूट भी वैसा बनता है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेडेंकल इज मॉडिफाइड इनटू नैरो कप लाइक स्ट्रक्चर। एट द बेस ऑफ द कप फीमेल फ्लावर्स डेवलप व्हाइल टूवर्ड्स द माउथ मेल फ्लावर्स डेवलप। And all three types of flowers यहाँ पे देखने को मिलेंगे, male, female, as well as the sterile female. ये सारे फ्लावर जो है, ठीक है, हमें inflorescence में, इस inflorescence में देखने को मिलते हैं। Ficus या species जैसे कि बनियान tree, fig या people का जो पेड़ होता है ficus, है ना, religiosa, ficus bengalensis, ठीक है। तो ये जो है इनके केसेस में आपको बेटा ऐसे फ्रूट देखने को मिलते हैं। नाउ ये है क्या, डायग्रामेटिकली इसको समझने के, तो ये थोड़ा सा गलत डायग्राम है, ठीक है, इसको बेटा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एडिशन लेते हैं एक,
हाँ यहाँ पे आएगा, ओके ये ले लिया हमने। तो देखो मुद्दा बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे आपको एक सिंपल बात देखने को मिलेगी और वो है कि यहाँ आपको ऐसा रिसेप्टेकल देखने को मिलेगा। ये देखो ये रिसेप्टेकल ऐसा बेटा आपको देखने को मिलेगा। आई वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, दिस इज, मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। ओके देखो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, दिस वे यू कैन सी दिस, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसे कप शेप पूरा बेटा पेडंकल जो है वो सोलन है, पेडंकल इज सोलन, दैट्स व्हाट द सोलन पेडंकल, ठीक है। अब ये जो सोलन पेडंकल है यहाँ पे एक कोर है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे इनसाइड, बहुत सारे फ्लावर्स इसके अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चों ऑल द मैक्सिममली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो लोअर फ्लावर होते हैं वो खास करके फीमेल फ्लावर होते हैं, यहाँ अपर लेवल पे जो होते हैं वो मेल फ्लावर होते हैं, और कुछ कुछ बीच में यहाँ पे आपको स्टराइल है ना फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। So you will see this different types of the flowers here, ठीक है, female flower, male flower, as well as what the sterile flowers आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो this way है ना हमें एक पूरा ये जो portion है इसी का fruit बनता है, जो अंजीर आप लोग खाते हो तो ये swollen actually peduncle ही होता है जिसको हम लोग consume करते हैं, ठीक है। Insects होते हैं कुछ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये insects यहाँ पे अंदर घुस जाते हैं, they will enter inside, है ना, females खास करके वो insects अंदर चले जाते हैं, they lay their eggs inside, और यहीं पे इनके larvae जो होते हैं वो larvae इसके अंदर ही रहते हैं जब ये fruit बनता है, ठीक है। तो larvae इसी के अंदर होते हैं, इसलिए कभी आप अंजीर खाओगे ना, मतलब जो ripened अंजीर होता है डायरेक्ट पेड़ से तोड़ करके खाओगे तो बेटा आपको है ना आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आपने किसी ने बताया कि यार इसको पहले तू खोल के देख ले फिर खा, तो फिर आपको मजा आएगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको खोल के देखोगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे लार्वीज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये लार्वीज बहुत लोग है ना ऐसे भी खा लेते हैं, पता नहीं चलता है ना, बट क्योंकि ये जो प्लांट जो है बेटा इनके जो पॉलिनेशन है इस ये जो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो कंप्लीट इंसेक्ट्स है उसी के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये बिल्कुल ये जो इंसेक्ट है इसी में, इसका नाम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इंसेक्ट्स का भी नाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। बट दैट इज व्हाट द सिंपली नॉर्मल थिंग अबाउट दिस इंफ्लोरेसेंस। इसको क्या बोलते रहे, कौन सा इंफ्लोरेसेंस है ये, हाइपैंथोडियम, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोला हम लोगों ने, इट्स ए हाइपैंथोडियम। तो बेटा ये तीन है ना, एक है सायाथियम, एक है वर्टिसिलेस्टर और एक है बेटा हाइपैंथोडियम। इन तीनों के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू नोटिस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यस, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे ऐसे भी है बच्चों जिनको हम लोग मिक्स टाइप कहते हैं, जैसे देखो ये साइमोज हेड है, इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं आया, बट शायद आप लोगों ने अगर एकेसिया प्लांट देखा होगा या माइमोसा देखा होगा, तो इसमें क्या है, देखो ये है मेन, यहाँ पे ब्रांच और यहाँ पे आते हैं बहुत सारे बेटा ऐसे पिंक कलर के, है ना, ये देखो फ्लावर 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 फ्लावर। तो इसको बोलते हैं क्योंकि हर एक पेडंकल आ रहा है और उसके है ना एंड पे फ्लावर है, पेडंकल है फ्लावर है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, अब यहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं आ रही, ना यूनिपैरस है ना बाईपैरस है ना कुछ है, तो ये सब कुछ बेटा एक जगह है, इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, साइमोस का हेड, या इसे ग्लोबोस हेड कहते हैं। तो इस तरह का शायद ही फ्लावर आप जो ब्रश जैसे अपियर होते थे, अपियर लाइक ब्रश, यस, ठीक है। ये एंटायर फ्लावर आपके सामने बेटा यहाँ पे यू कैन नोटिस इट, यस, दिख रहा है, ऐसे कभी देखा है क्या किसी ने, यस, है ना। तो एक एक सिंगल फ्लावर ऐसा होता है, मतलब एक्चुअली ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसको हम लोग साइमोज हेड कहते हैं, पक्का,
मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस भी हमें देखने को मिलते हैं। मिक्स्ड का मतलब होता है जैसे कि यहाँ देखो मिक्स्ड स्पैडिक्स आपको देखने को मिल रहा है या साइमोज रेसिम हमको देखने को मिलता है। बनाना में केस में, बनाना के केस में देखो अपने स्पैडिक्स का एग्जांपल मेज में आपको समझाया मैंने, ठीक है। जब आप बनाना देखोगे तो बनाना का एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा, उसमें बहुत सारे क्या बोल सकते हो आप, पेडेंकल, स्वोलन पेडेंकल एक ही जगह पे गैदर होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड स्पैडिक्स, मतलब साइमोस के फॉर्मेट में, क्योंकि है ना स्पैडिक्स एक रेसिमोज है बट वो साइमोस जैसे अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना मिक्स्ड स्पैडिक्स। आपको ये एग्जाम्पल बनाना में देखने को मिलेगा। साइमोज रेसिम ये भी एक चीज है, आपको ग्रेप्स में देखने को मिलेगा, मतलब पहले साइमोज ब्रांचिंग आती है, मतलब ये देखो ये आ गया, ये टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर आ गया, ठीक है, इसके ऊपर बेटा ये देखो ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन ब्रांचेस के ऊपर यहाँ पे आपको इस तरह से फ्लावर्स नजर आएंगे जो कि रेसिम है। तो ये पहले शुरू तो साइमोज जैसे हुआ है बट अब वो रेसिम है, तो इसको हम लोग साइमोज रेसिम कंडीशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको ग्रेप्स में या विटिस जो है उसमें आपको देखने को मिलता है, याद रखना विटिस का एग्जांपल मैंने आपको। सो दिस साइमोज रेसिम इज सीन इन ग्रेप्स। यस ग्रेप्स, ग्रेप्स है ना, तो ग्रेप्स में है ना। बनाना में क्या होता है तो मिक्स्ड स्पैडिक्स, ग्रेप्स में क्या होता है तो साइमोज रेसिम, जिसको हम लोग है ना हर्सस ऐसा इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये ज्यादा हो जाता है, मैंने आपको जैसे बताया तीन तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, वन इज वर्टिसिलेस्टर, वन इज हाइपैंथोडियम एंड वन इज द सायाथियम, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा आपको बेटा प्रीवियस ईयर्स में जो भी है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम लोग बात तो करते हैं, मतलब ब्रांचेस के ऊपर जब भी फ्लावर्स आते हैं तो कभी कभी वो सॉलिटरी फ्लावर होते हैं। सॉलिटरी फ्लावर का क्या मतलब भाई, इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता, मतलब एक ब्रांच के ऊपर एक एक्सियल में एक ही फ्लावर आता है, मतलब ये कि हर बार इन्फ्लोरेसेंस बने ये जरूरी नहीं है, मतलब बंच ऑफ फ्लावर आए ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। सिंगल एक्सियल में बेटा एक एक फ्लावर आ सकता है, ठीक है, That is very possible, very clearly possible, है ना। तो यहाँ हम लोगों को बस यही सिंपल सा मुद्दा याद रखना है कि अभी हमें एक्चुअली फ्लावर के बारे में पढ़ना है ना। अभी क्या पढ़ना है बच्चों, एक्चुअली फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, फ्लावर्स में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन आपको फिर फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में ही पूछते हैं। सो लेट्स बिगिन। जनरली फ्लावर हैज अ शॉर्ट और लॉन्ग फ्लावर स्टैक, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ पेडिसेल। तो ये पेडिसेल वर्ड है बच्चों, मैंने लास्ट आपको क्लास में भी समझाया था पेडिसेल का क्या मतलब है। पेडिसेल का सिंपल मतलब है क्या, क्या मतलब होता है, द स्टैक ऑफ द फ्लावर। तो क्या सारे ही फ्लावर को पेडिसेल होता है, ये जो पेडिसेल है सारे फ्लावर्स को नहीं होता, ठीक है। So the upper part of the pedicel is a swollen spherical or conical which is called as a thalamus. तो ये जब भी आपको देखने को मिलेगा pedicel का जो upper part है वो swollen होता है, एक actually stage होता है, stage जिसके ऊपर बाकी चार whorl जो है calyx, corolla, androecium, gynoecium इनको रखा जाए, ठीक है, और बाकी जितने भी चार whorls है उनको हम लोग floral leaves कहते हैं, floral leaves are present on it. अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको ये बताया है कि फ्लावर के जो भी पार्ट होते हैं वो सारे एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स है। अब आप सब लोग बड़ा ही दिल थाम के एक डायग्राम देखो, आपको चीज समझ में आएगी। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसी स्टाक यहाँ पे बेटा ब्रांच निकाला, ये ब्रांच है, यहाँ नोड है, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है, ये टर्मिनल नोड है, इस नोड पे लीव्स आए, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है, तो आप गिन सकते हो कितने नोड है, तो आंसर इज 4 नोड। आप ये भी गिन सकते हो कितने इंटर नोड है, तो दिस वन इज इंटर नोड, दिस वन एंड दिस वन, सो 3 इंटर नोड, तो 4 नोड एंड 3 इंटर नोड आर देयर, ओके। नाउ आई विल ड्रॉ अदर डायग्राम, अनदर डायग्राम, ठीक है,
But before drawing that diagram, I will say a statement. A statement is very simple. What is flower? The answer is, sir, flower is a condensed shoot. Oh, condensed shoot ka kya matlab hai? Let's understand this. There is another statement. All these petals, sepals, carpels, stamen, all are the modified leaves. Ye sare modified leaves hote hain. तो सी दिस स्टेटमेंट हियर, ये देखो ये स्टेमेन मैंने बनाया, ये ब्रांच बनाई, ये पहला बेटा नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ये चौथा नोड है। पहले नोड पे जो भी बेटा लीव्स है वो छोटे हो गए हैं, ग्रीन है। दूसरे नोड्स के ऊपर जो भी लीव्स है वो मॉडिफाई हो गए हैं, अब वो बेटा कलरफुल है, पेटल्स है। तीसरे नोड के ऊपर जितने भी लीव्स है वो सारे लीव जो है मॉडिफाई हो चुके हैं और आज उनको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। और जो लास्ट नोड है उसके ऊपर जो लीव्स है दे आर मॉडिफाइड इनटू द कार्पेल, द पिस्टिल, द स्टाइल एंड द स्टिग्मा, लाइक दिस दे आर अरेंज्ड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो फ्लावर के इस पोजिशन को आप देखो, मतलब एक स्टेम है जिसके ऊपर लीव्स, निचले वाले लीव्स मॉडिफाइड हुए हैं इनटू सेपल्स, दीज आर द पेटल्स, दीज आर द स्टेमेन, दीज आर द कार्पेल्स। सो एनी व्हर्ल इज एक्चुअली द व्हर्ल ऑफ द लीव्स, दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। नाउ आई विल कंडेंस इट, व्हेन आई विल कंडेंस इट हाउ इट विल, दिस इज अ पेडिसेल, ये वाला पोर्शन पेडिसेल बन गया। नाउ जो चारों ऊपर के जो बेटा नोड है, इंटर नोड है, इंटर नोड बिकम्स वेरी शॉर्ट। ये है पहला इंटर नोड, ये दूसरा, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड। ठीक है, नाउ आई विल अरेंज, दिस इज अ सेपल, अरेंज पेटल, अरेंज स्टेमेन एंड अरेंज दिस इज व्हाट द कार्पेल। ठीक है, सो व्हेन आई से सी दिस ट्रांजिशन, सी दिस ट्रांजिशन, सी द इवोल्यूशन, हाउ द फ्लावर इज फॉर्मड। So can I ask you this simple question, all of you? All of you, how many nodes are there in a flower? Ek flower mein kitne node hote hain? Four nodes. Bahut badhiya. Yes, very good. Acha, next question. Mujhe to lagta hai next question bhi pata hai aapko. How many internodes are there in the flower? Three. Very good. Very good. Very good. Kya talent hai tum logon mein? Superb. Now, sir, हम लोग कैसे बिलीव कर ले, आप कुछ भी बताओ हम मान ले क्या? Let's see how. ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग को ये जान ले कि देखो जब भी फ्लावर के बारे में आप बात करेंगे, सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ द फ्लोरल लीव्स, यू नो फ्लोरल लीव्स हमेशा याद रखना, बिकॉज दे आर द मॉडिफाइड लीव्स, है ना, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, बराबर। Any flower which have all the four whorls is called as a complete flower. ऐसे flower को हम लोग complete flower कहते हैं क्योंकि उसमें सारे whorl present हैं, ठीक है? ऐसा कोई भी flower जिसमें एक आधा whorl नहीं है, जैसे stamen नहीं है, ठीक है? या तो carpel नहीं है, तो ऐसे flower को हम लोग incomplete flower कहते हैं. That is called as the incomplete flower. Now देखो, calyx and corolla are the accessory organs. Accessory whorls है यार ये. ये ना भी हो तो भी flower को फर्क नहीं पड़ता. Reproduction में इनका क्या role है? कुछ नहीं है, है ना? While androecium and gynoecium, these are the essential or reproductive organs. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? They are the essential whorls. ठीक है? तो चार में से दो है जो accessory whorl है और दो है जो कि essential whorl. Stamen and carpel are the units of the essential whorls. Okay, so any complete flower have all these four parts. Any incomplete flower can, you know, have any missing part or any two missing part, whatever may be the things there. Okay, देखो unisexual flower जो होते हैं unisexual मतलब या तो वो female flower है या तो male flower है, मतलब incomplete है ना यार, female flower है मतलब stamen is absent. मेल फ्लावर है मतलब कार्पेल इज अब्सेंट, आर यू श्योर? सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। ओके, नाउ अभी देखो हम फ्लावर्स के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें सिमेट्री वाली बात आती है। नाउ व्हाट इज द सिमेट्री? एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल या रेगुलर, ऐसा हमें सिमेट्री देखने को मिलती है।
when flower is divided by any vertical plane into two equal halves, then it is called as actinomorphic flower. अब आप देख सकते हो यहां से अगर हम कट करें तो दो इक्वल हाफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा यहां से हटा दे, यहां से अगर हम लोग कट करें तो भी बेटा हमें दो इक्वल हाफ मिल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग है ना जब भी फॉर्मूलाज बनाते हैं तो विल रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस वन, ठीक है। ऐसे हम लोग इसका सिंबॉल है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबॉल है। सो व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड बाय एनी वर्टिकल प्लेन इनटू टू इक्वल हाफ देन इट इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा अलग और बताना चाहूंगा। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ बाय मोर देन वन प्लेन, मोर देन वन, एक से ज्यादा हमें ऐसे प्लेन मिले, जैसे यहाँ देखो ये दिस इज वन प्लेन, दिस इज सेकंड प्लेन, दिस इज थर्ड प्लेन, हमें तीन प्लेन ऐसे मिल रहे हैं जिससे हम इस फ्लावर को इक्वल हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल या रेगुलर फ्लावर कहते हैं, ठीक है। उसका सिंबॉल है ये, एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली, इन सब में बेटा आपको ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। नेक्स्ट ये है बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अभी इनमें क्या प्रॉब्लम है, इनमें एक बहुत बड़ा एक पेटल होता है, फिर उसके बाजू में छोटे छोटे विंग्स होते हैं, नीचे दो और छोटे होते हैं। अभी होता क्या है, इसके वजह से इसके पांच पेटल्स के साइज एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक प्लेन लेता हूं ना ये वाला, तो ये इक्वल, ये प्लेन क्या करेगा, इस फ्लावर को दो इक्वल हिस्सों में बांट सकता है, बट अदर देन दिस देयर इज नो अदर प्लेन बाय विच वी कैन कट दिस फ्लावर इंटू इक्वल हाफ्स। सो व्हेन द फ्लावर इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन, एक ही वर्टिकल प्लेन से अगर हम कर पाते हैं तो उसे हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर या बायलैटरल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बायलैटरल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। पीस, बीन्स, गुलमोहर, कैसिया, ये सब उसके एग्जाम्पल है। इसको जब फ्लोरल फार्मूला हम बनाएंगे तो ये सिंबल देते हैं परसेंटेज वाला, ठीक है। ऐसा सिंबल रहा तो समझ जाना कि ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है, ये सिंबल रहा तो क्या समझोगे बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। तो याद रखते हैं, चलो अच्छा। वो परसेंटेज करेगा तो जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, ओके। नाउ अभी थोड़ा ध्यान से देखो, असिमेट्रिकल फ्लावर। अभी देखो यार, ये एक फ्लावर है, ये उसका सेपल्स बना दिया, ये देखो ऐसा सेपल्स बना लिया। अब इसके पेटल्स बना लेता हूँ, पेटल है ये वाला, पेटल ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा है, ये छोटू सा है, ये पता नहीं ऐसा। तो ऐसे फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप कोई भी प्लेन से इक्वल हाफ्स में कट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बेटा आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहे हैं, यू कैन सी देम। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनको आप, इसके लिए कोई फार्मूला भी नहीं है, मतलब कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, नो यू नो सिंबल। व्हेन द फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स फ्रॉम एनी प्लेन देन इट इज कॉल्ड एज ए एसिमेट्रिकल फ्लावर। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग एसिमेट्रिकल, ये है काना, ठीक है। तो काना जो है इसके केस में बेटा आपको ऐसे फ्लावर्स देखने, आपने ऐसे फ्लावर जरूर देखे होंगे मार्केट में भी, है ना, बहुत ज्यादा बार ही ऐसे फ्लावर जो होते हैं, है ना, जो बुकेज होती है उनमें होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ द फ्लावर्स, एसिमेट्रिकल और इरेगुलर। तो सिमेट्री के हिसाब से बेटा तीन टाइप के फ्लावर्स है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल, ठीक है, डन। नाउ अब जैसे मैंने सबूत के बारे में बात किया कि मैं क्यों ये मान लू, वाई शुड आई बिलीव कि सर आप बोल रहे हो कि ये कंडेंस्ड शूट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई। अब देखो ये एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा है, ये है नहीं एनसीईआरटी वगैरह में, बट बस समझाने के लिए देखो एंथोफोर क्या चीज है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर है जिनमें इलांगेटेड इंटरनोड देखने को मिलता है बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। देखो है ना, कैलिक्स और कोरोला इनके बीच में इलांगेटेड इंटरनोड है, ठीक है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं एंथोफोर। तो ये सबूत है, ये एक एविडेंस है किस चीज का है कि ये दोनों ही मॉडिफाइड लीव्स है और उनके बीच का इंटरनोड अभी भी इंटैक्ट है,
ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, साइलेन नाम का एग्जांपल है, ओके इट्स ओके. देन देखो दूसरा एक है, ये तो आपने जरूर देखा होगा, पैसी फ्लोरा, पैशन फ्लावर बोलते हैं, बड़ा अच्छा होता है ये. इसको लोग कृष्ण कमल भी बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा. ये बीच में कृष्ण है, बाजू में इधर गोपिकाएं हैं, व्हाटएवर. ठीक है, दिस वे है ना. सो इलॉन्गेटेड इंटरनोड बिटवीन द कोरोला एंड एंड्रोशियम. देखो ये है कोरोला जो भी है ना, और ये है बेटा है ना, ये स्टेमेंस है सारे, इनके बीच में आपको इंटरनोड इलॉन्गेटेड देखने को मिलता है. देखो आपको पहला एग्जाम्पल बताया था जो इंटरनोड किसके बीच में था बेटा, कैलिक्स और कोरोला के बीच में. ये इंटरनोड किसके बीच का बच गया है ना, कोरोला और एंड्रोशियम के बीच का इंटरनोड इस फ्लावर में आपको देखने को मिलता है. इसे बोलते हैं एंड्रोफोर. क्या कहते हैं इसे हम लोग, एंड्रोफोर. तीसरा गाइनोफोर. ठीक है, कैपेरिस के फ्लावर जो है इनमें इलॉन्गेटेड इंटरनोड बिटवीन द एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आपको देखने को मिलता है. ठीक है, मतलब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये है वो चीज, ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये है एंड्रोशियम और ये है गाइनोशियम. ठीक है, नाउ अगर ये बच गया तो ये कौन है रे, एंथोफोर है. क्या है रही है, एंथोफोर. अगर ये बच गया तो ये क्या है, एंड्रोफोर है, क्योंकि एंड्रोशियम के नीचे है. और ये बच गया तो ये क्या है बेटा, गाइनोफोर है, क्योंकि गाइनोशियम के नीचे है. तो बेटा ये सब कुछ प्रूफ कर रहे हैं कि यस इंटरनोड होता है, बट कंडेंस्ड होने की वजह से फ्लावर जो है, तो तीन तीन इंटरनोड एक्चुअली फ्लावर में होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया. सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो ये है ना, फ्लावर्स ऑफ द क्लियोम है ना. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे गाइनेंड्रोफोर देखने को मिलता है, गाइनेंड्रोफोर. इसका मतलब गाइनेंड्रोफोर, या उसी को हम लोग एंड्रोगाइनोफोर भी कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है, इस फ्लावर में है ना गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बीच में भी इंटरनोड दिखता है, और एंड्रोशियम और क्या है ना कैलिक्स के बीच में भी, सॉरी कोरोला के बीच में भी आपको इंटरनोड दिखाई देता है. सो व्हेन बोथ एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर कंडीशंस आर फाउंड इन द सेम फ्लावर, this condition is called as gynandrophore or androgyrophore. ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको देखो ब्यूटी दिखाइए कंसेप्ट की, कंसेप्ट की ब्यूटी देखो. मतलब ये नहीं कि कंडेंस्ड शूट कह दिया, मतलब ऐसे ही कह दिया उठा करके किसी ने, है ना. सो दिस इज नॉट द वेंट, दिस इज साइंस, यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स है ना, तो ये है एंड्रोगाइनोफोर वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई जा रही है. ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर में बेटा ये चीज आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये हो गया बेटा दो चीजें, एक तो मैंने सिमेट्री के बारे में बताया, दूसरा अगर इंटरनोड बच जाता है ना रिमेन है तो उसे क्या कहते हैं, एंड्रोफोर कब कहते हैं, एंड्रो है ना गाइनोफोर कब कहते हैं, और है ना एंथोफोर कब कहते हैं. एनीवे नाउ द पॉइंट इज बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं, है ना. देखो नंबर ऑफ यूनिट्स, इसके हिसाब से बेटा फ्लावर के टाइप हो सकते हैं. ठीक है, देखो बहुत आसान है, कभी कभी आप फ्लावर को देखोगे 1 2 3 4 5, तो 5 पेटल्स या 5 सेपल्स आपको देखने को मिलते हैं. तो ऐसे फ्लावर को हम लोग पेंटामेरस फ्लावर कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग, पेंटामेरस. और ये स्पेशलिटी है बच्चों डाइकॉट. तो याद रखना जितने भी डाइकॉट प्लांट है उनमें आपको पेंटामेरस कंडीशन देखने को मिलती है. सम टाइम यू कैन सी दिस वन 1 2 3 and 4. ऑब्वियसली बेटा ये टेट्रामेरस कंडीशन है. ठीक है, तो टेट्रामेरस 8 petals then that is also called tetramerous. क्या बेटा, sir, if we have 8 petals, so that will be also called as tetramerous. Yes, exactly. बहुत सही point है तेरा. ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, 1 whorl में 4 होंगे, मतलब 8 petals है तो चलता है, but 2 whorl होंगे petals के, एक के नीचे एक, double double जासवंद. कभी देखा होगा,
तो आपको पता चलेगा. देखो इट इज कॉल्ड अ पेंटामेरस, मतलब इट इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ द फाइव और मल्टीपल्स ऑफ द फाइव. ठीक है, जैसे ब्रासिकेसी फैमिली है, पूरी की पूरी ब्रासिकेसी फैमिली आपको देखने को मिलेगी, क्रूसीफेरी जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो क्रूसीफेरी फैमिली में आपको टेट्रामेरस कंडीशन, ये भी डाइकॉट है. ठीक है, तीसरा आता है बेटा, ये है, ये क्या होगा आप खुद ही बता सकते हो. ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं ट्राइमेरस. ठीक है, अभी ट्राइमेरस कंडीशन मोनोकॉट की स्पेशलिटी है. मतलब जैसे लिली का प्लांट हो गया, लिली है तो, है ना, तो जितने भी आपको फ्लावर देखने को मिले, जैसे इसने कहा अभी, या तो तीन होंगे या तो मल्टीपल्स ऑफ थ्री में होंगे, या तो फाइव होंगे या तो मल्टीपल्स ऑफ फाइव में होंगे, या तो फोर होंगे या तो मल्टीपल्स ऑफ फोर में होंगे. ठीक है, तो ये आमतौर पे बेटा आपको यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट देखने को मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही मिलते हैं. ये बहुत कम है, ये रेयर है, बहुत कम है. ये और ये पेंटामेरस और ट्राइमेरस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. तो कितना सिंपल कंसेप्ट है नंबर ऑफ यूनिट्स का, है ना, या तो पेंटामेरस या तो टेट्रामेरस या तो ट्राइमेरस. अब आप बोलोगे सर रोज में क्या है, रोज रोज है ना, रोज में क्या होता होगा, कौन समझाएगा रोज में क्या है, रोज डाइकॉट है कि मोनोकॉट है. कैन यू काउंट द पेटल्स इन द रोज? यस, अरे रोज फ्लावर देखा है कि नहीं देखा है, उसमें पेटल्स कैसे गिनोगे तू, हाउ यू विल काउंट इट, दे आर नॉट काउंटेबल, है ना, उनको हम लोग कोई भी ऐसे अरेंजमेंट रख नहीं सकते, ना वो ऊपर नीचे है ना कुछ है, वो तो वर्ल्ड कंडीशन है. डिकम्पाउंड जैसे लीफ मैंने बताया था, वैसे डिकम्पाउंड पेटल कंडीशन वहां पे आपको देखने को मिलती है ना. लेट इट बी, हम लोग सारी चीजों को देखेंगे वन बाय वन. एक ये है बेटा, अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, वो तो मैंने अभी ये सारी चीजें बताई जो सिंपल है. नाउ बच्चों ये है वीवीआईपी टॉपिक, वीवीआईपी टॉपिक का वीवीआईपी मतलब एवरी ईयर, हर साल इसका क्वेश्चन आएगा. फाइलोटैक्सी, कितने लोगों को याद है फाइलोटैक्सी, वीवीआईपी कंसेप्ट है, बराबर है, वीवीआईपी ना, फाइलोटैक्सी बताया है ना, एक सुमा की गैंग है, एक कालू और गोव्या की गैंग है, और एक अल्टो और नेरिया की गैंग है, ये तीनों को याद रखो आप लोग, है ना, टैक्सी का, है ना, फाइलोटैक्सी का. इज इट क्लियर? सो देयर सिंपल, यहाँ पे अभी देखो वीवीआईपी कंडीशन है, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एपी, ये क्या नाटक है, इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. ये पे हमें समझना है द रिलेटिव पोजिशन ऑफ गाइनोशियम चेंजेस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, ये है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोरल पार्ट्स, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोरल पार्ट्स, एंड ऑन दिस बेसिस इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. ठीक है, देखो ये जो थैलेमस होता है, जब भी हम फ्लावर को ड्रॉ करते हैं, फ्लावर को जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये है उसका थैलेमस. अब इस थैलेमस के ऊपर गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कैलिक्स, कोरोला और कैलिक्स ऐसे अरेंज है. ठीक है, अब ये इसका इंसर्शन, ये जो फ्लावर का, फ्लोरल लीव्स का इंसर्शन ऑन द थैलेमस कैसे है, उस हिसाब से तीन प्रकार के, हाइपो, पेरी और एपिगाइनस, इनको हम लोग समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिल रहा है, ये है गाइनोशियम, ये है गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम. ठीक है, अब आपको देखने को मिल रहा है गाइनोशियम ऊपर है, ठीक है, स्टेमेन उसके नीचे हैं, है ना, कोरोला उसके भी नीचे. तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सारे बाकी तीनों वर्ल्स, स्टेमेन का, पेटल का, सेपल का, ऑल दीज थ्री आर बिलो द गाइनोशियम, है ना. तो यहाँ पे सुपेरियर ओवरी है ना, मतलब ओवरी सुपेरियर पोजिशन पे, सुपेरियर ओवरी, ओवरी ओवरी ऊपर है और बाकी सारे नीचे है, गाइनोशियम के नीचे है, इसीलिए इसको हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं. हाइपोगाइनस का मतलब है ना बिलो द गाइनोशियम, हाइपो मींस बिलो होता है, ठीक है, नीचे. आर यू श्योर, सबको समझ में आया? यस सर. है ना, ये एक नॉर्मल कंडीशन. अब यहाँ पे देखो आप, कप शेप्ड आपको बेटा ऐसे सॉसर शेप्ड या है ना हाफ डिस्क शेप आपको ये रिसेप्टेकल दिखाई दे रहा है बी और सी में. तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, खास करके यहाँ पे देखो, ये है ओवरी, इसी ओवरी के लेवल पे बेटा दोनों है, मतलब ये
है ना, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेन सारे बेटा एट द लेवल ऑफ द ओवरी है। यहाँ पे भी वही बात है, एट द लेवल ऑफ द ओवरी है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ओवरी इज अ हाफ इंफीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। हाफ सुपीरियर नहीं बोलते, हाफ इंफीरियर है, ठीक है। और ऐसे फ्लावर को हम लोग पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस मतलब जब बाकी तीनों वर्ल गाइनोशियम के लेवल पे ही हो तो उसे मैं पेरीगाइनस कंडीशन कहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीटली बेटा थैलेमस एनक्लोज्ड हो गया, एनक्लोज्ड कप जैसा हो चुका है, वेसल बन चुका है उसका कंप्लीट, ठीक है, वास जिसको बोलते हैं वैसा बन चुका है। ये देखो पूरा ग्रीन कलर यहां से यहां तक कोटिंग है, ठीक है। गाइनोशियम अंदर दब चुका है, गाइनोशियम अंदर दबा हुआ है और देख सकते हो आप लोगों को पेटल, सेपल और कार्पल गाइनोशियम के ऊपर है, दे आर ऑल अबव द गाइनोशियम, इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, एपीगाइनस कंडीशन, है ना। सारे वर्ल्ड बेटा गाइनोशियम के ऊपर है तो बेटा एपीगाइनस कंडीशन है, इसीलिए इसकी ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे रे, इन्फेरियर ओवरी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इन्फेरियर ओवरी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा तीन कंडीशन आपको देखने को मिलती है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एज वेल एज एपीगाइनस। लेट्स सी वन बाय वन। एक है हाइपोगाइनस फ्लावर, क्या मतलब है इसका, व्हेन पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमेंस, पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमेंस आर situated below the ovary, then the flower is called hypogynous, and in this condition ovary will be superior, ठीक है। इतना ही पूछते हैं और कुछ नहीं, flat है, normal है ना, thallus, thalamus है, flat thalamus है, तो उसके ऊपर बेटा ऐसा ही arrangement आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके example क्या है, mustard, china rose, brinjal, ठीक है। देखो आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आप है ना अपने है ना जो है रूफ की तरफ देखना, रूफ की ऊपर तरफ आप देखना, रूफ की तरफ आपको दिखना चाहिए, है ना। अगर फैन आपको दिखाई देता है, बल्ब दिखाई देता है, तो है ना वहां पे देखो, वहां पे आपको मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, अभी इमेजिन कर लो रूफ के ऊपर ये तीनों है अटके हुए, ब्रिंजल नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, चाइना रोज उधर है, मस्टर्ड उधर है, ठीक है, ऑन द रूफ, रिमेम्बर दिस, इमेजिन दिस। नाउ आता है बेटा पेरीगाइनस फ्लावर, इन इट थैलेमस ग्रोज अपवर्डली एंड फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर, इन इट थैलेमस ग्रोज अपवर्डली एंड फॉर्म अ कप शेप स्ट्रक्चर, होगा क्या, ऑन द मार्जिन ऑफ द थैलेमस फ्लोरल पार्ट्स आर अटैच्ड एक्सेप्ट गाइनोशियम व्हिच लाइज एट द बेसल पार्ट, सो In this condition, gynoecium is situated below the floral part. इसको हम लोग क्या कहते हैं, half inferior. आप देख सकते हो, ये देखो, ये बनाया thalamus. ये है बच्चों ovary. ठीक है, यहां stamen है, यहां बेटा carpel, सॉरी है ना, petals और sepals है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्टेमेन, पेटल, सेपल्स बेटा जो है वो ओवरी के लेवल पे ही है, जहाँ ओवरी है उसी के लेवल पे है। इसको हम लोग पेरीगाइनस कंडीशन कहते हैं, पी फॉर पेरीगाइनस, पी फॉर प्लम, पी फॉर पिच, पी फॉर, पी को बना दो आर, पी फॉर रोज, सो इट दिस वे यू कैन रिमेम्बर द रोज, प्लम एंड पिच आर द गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द पेरीगाइनस फ्लावर। इमेजिन जिस बेंच के ऊपर एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हो, ठीक है, जो एग्जामिनर है वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है, बेस्ट ऑफ लक देना चाहता है, और उसने आपको रोजेस दी है, और वो रोजेस आपके पेपर के आजू बाजू में गिरे पड़े हैं, ऑन द टेबल देर आर प्लम, बेर, पिच, ठीक है, ये जो भी है रेडिश फ्रूट्स जो है बढ़िया वाले वो आपके टेबल के ऊपर है, दे आर एट योर लेवल, जहां पे आप बैठे हो उसी लेवल पे है आपके आजू बाजू में, पेरीफेरी में, सो दैट इज व्हाट द पेरीगाइनस कंडीशन। रिमेम्बर रूफ की तरफ देखो तो कौन कौन है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है, देखो दिख रहे है क्या, जस्ट सी इट, अभी आ जाएंगे, ठीक है, आपके टेबल पे जहां आप बैठे हो वहां पे बेटा रोजेस है बहुत सारे,
सबको बेटा, सारे स्टूडेंट को मेरी तरफ से मैंने रोजेस भेजे और सबके टेबल पे है रोजेस प्लम पीच. दैट इज व्हाट द पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर. यस कैन यू, है ना, यू कैन. देन इन द थर्ड वन, ठीक है, ये कंडीशन है जिसको हम लोग पेरिगाइनस कंडीशन कहते हैं. नाउ आते बेटा एपिगाइनस फ्लावर के पास. अभी आप देखो थैलेमस ऐसे होते हैं यार, मतलब सोलन होते हैं, तो उनका जो गायनोशियम है वो अंदर दबा होता है, ओवरी खास करके. सो व्हेन पेटल सेपल स्टेमेंस आर सिचुएटेड, मतलब देखो ये इस तरह से थैलेमस पूरा बेटा वेसल शेप का हो गया है, तो ओवरी पूरी इनक्लोज हो गई है इनसाइड, थोड़ा सा स्टाइल बाहर आ रहा है, स्टिग्मा बाहर आ रहा है, बाकी जो भी एंड्रोशियम और पेटल्स और सेपल्स ये सब कुछ बेटा ओवरी के ऊपर है, दे आर प्रेजेंट अबव द ओवरी, ठीक है. सो व्हेन पेटल्स सेपल्स एंड स्टेमेंस आर सिचुएटेड अबव द ओवरी देन द ओवरी इज सेड टू बी इनफेरियर. हम ओवरी को इनफेरियर कहते हैं एंड रेस्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स आर सुपेरियर. तो ओवरी इनफेरियर है तो एपिगाइनस कंडीशन है, ओवरी सुपेरियर है तो हाइपोगाइनस कंडीशन है. एग्जाम्पल बेटा ग्वावा, एप्पल, कुकुम्बर, ठीक है, एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर. नीचे देखो, ठीक है, आपके पैरों के नीचे जहां आप बैठे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके पैरों के नीचे बेटा क्या क्या गिरा हुआ है. ग्वावा, पैरों से कुचल दो ग्वावा को. एप्पल, एप्पल मतलब फ्रूट, उसको पैरों से कुचलो, ठीक है. कुकुम्बर, सबका चटनी बनाओ, पैर से चटनी बनाओ और उनको बेटा चटनी बना करके उनके ऊपर डाल दो. रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, ठीक है, जस्ट इमेजिन इट एंड यू विल रिमेम्बर ऑल द थ्री, ऑल द थ्री. सुपेरियर ओवरी ऊपर देखो, इंफेरियर ओवरी नीचे देखो, हाफ इंफेरियर आपके लेवल पे देखो. आर यू श्योर, आर यू श्योर? क्या आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक कहते हैं. आप सब कुछ ऐसे इमेजिन करो जो आपके सामने ही है, तो यू विल नेवर फॉरगेट और दिस इज अ वीवीआईपी, ये हमेशा आता ही है ना एग्जामिनेशन में, ठीक है. आई डोंट सी कि आपको टेंड्रिल में कंफ्यूजन होगा, आई डोंट सी कि आप फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल भूल जाओगे, आई डोंट सी कि आप, है ना, ये जो एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस के एग्जाम्पल भूलोगे जो एग्जामिनेशन में दिए हैं. Now talk about what we can say. Talk about the formula. तो देखो जब भी gynoecium है ओवरी के बारे में हम लोग ऐसे लिखते हैं G. G is the symbol for the gynoecium. So whenever you will see the G and if you see G के नीचे underline किया हुआ है तो मान लेना कि ये superior ovary है, मतलब है ना G के नीचे underline किया है तो superior ovary है. अगेन जी लिखा और जी के बिल्कुल बाजू में इस तरह से बेटा छोटा सा है ना हाइफन दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ इंफेरियर, मतलब ये पेरिगाइनस फ्लावर का फॉर्मूला है. और ये फिर से जी लिखा और जी के ऊपर अगर है बेटा ये डैश तो इसका मतलब है इट्स एन एपिगाइनस फ्लावर, दैट मीन्स इंफेरियर ओवरी. बात समझ में आती है क्या, ये क्या सिम्बॉल है रे, ये क्या सिम्बॉल है, है ना, ये सुपीरियर का है, ये हाफ इंपीरियर का है, ये है ना इंपीरियर का है, ठीक है. हाइपोगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर, एग्जांपल यू नो बेटर देन मी, है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द फ्लावर्स. अब पॉइंट पे आते हैं. पॉइंट ये है कि आपके टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में है ना तीन फैमिलीज दी है, तीन क्या चार फैमिलीज दी है ना, लिलियासी, फैबियासी, सोलानियासी. ये जो फैमिलीज है इनमें बेटा जितने भी फ्लावर्स मेंशन किए सारे हाइपोगाइनस है. क्या है, सारे कैसे है बेटा, ऑल ऑफ देम आर हाइपोगाइनस. रिमेंबर जैसे अल्टरनेट लीफ के बारे में मैंने बताया, जितनी फैमिलीज दी है सब में अल्टरनेट हाइपो है ना फाइलोटैक्सी है, वैसे ही बच्चों जितने फैमिलीज दी है सब में हाइपोगाइनस कंडीशन है, मतलब सुपेरियर ओवरी प्रेजेंट है. तो सबके फॉर्मूला में आपको यही दिखाई देगा, जी के नीचे आपको बेटा डैश दिखाई देगा. एवरीवन इज क्लियर, गॉट इट? यस सर. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. तो ये था बेटा सारी चीजें, है ना. उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बहुत सिंपल पॉइंट के बारे में.
देखो फ्लावर के बारे में है ना, हम लोगों ने ये वर्ड चीज समझी थी कि बहुत बार होता है ना फ्लावर के नीचे, मतलब जहां वो पेडिसेल आता है, मैंने बोला था पेडिसेल के बिल्कुल नीचे एक्सेल, यहाँ पे ऐसे लीफ लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? ब्रैक्ट, है ना। लास्ट क्लास में आपको ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल इनके बीच का डिफरेंस मैंने क्लियर किया है। इफ यू रिमेम्बर, पेडिसेल के ऊपर लीफ लाइक प्रोजेक्शन आ जाता है, ये छोटा सा ऐसे आ जाता है, ये क्या है बेटा? ब्रैक्टियोल, ठीक है। तो ब्रैक्ट होता है, तो जब भी फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट हो या किसी लीफ एक्सियल में फ्लावर पैदा हो तो ब्रैक्ट उसे कहते हैं, और उस फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। उसको फॉर्मूला में बी आर लिखा रहेगा, अगर उसके फॉर्मूला में बी आर लिखा रहे तो समझ जाना कि ये फ्लावर कैसा है बेटा, ब्रैक्टिएट है, ठीक है। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर का मतलब है कि फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट। जिस फ्लावर में अभी ये देखो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा आउटग्रोथ है ही नहीं, देयर इज नो आउटग्रोथ, है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। सो फ्लावर विदाउट ब्रैक्ट इज नोन एज ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो फॉर्मूला में आपको दिया रहेगा ई बी आर लाइक दिस, अगर ऐसा लिखा रहे तो बेटा ई ब्रैक्टिएट है, या तो लिखा ही नहीं रहे तो भी ई ब्रैक्टिएट है। इफ इट इज रिटन ई बी आर, सो इट इज ई ब्रैक्टिएट। इफ इट इज नॉट रिटन, सो अंडरस्टैंड इट इज अ ई ब्रैक्टिएट, करेक्ट है। बट हाँ, ये लिखना जरूरी है, अगर ऐसा लिखा है तो वो ब्रैक्टिएट है, पक्का, ठीक है। तो फ्लावर्स में या तो ब्रैक्ट होती है, नहीं तो नहीं भी होती। अब देखो ये कुछ वर्ड है, जैसे कि इनवोल्यूक्रे क्या है, है ना, द वर्ल ऑफ ब्रैक्ट, बहुत सारे ब्रैक्ट होते हैं। इनफ्लोरेसेंस है ये हेड या कैपिटुलम, जैसे सनफ्लावर में मैंने बताया, है ना, मैरीगोल्ड में हम लोगों ने देखा। तो इनके केस में आपको देखने को मिलेगा बेटा कि जो भी ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उनके बेस में यहाँ पे आपको बहुत सारे लीफ लाइक, है ना, ऐसे बंच वर्ल मिलेगा। तो ब्रैक्ट का वर्ल अगर देखने को मिले, वर्ल ऑफ ब्रैक्ट, सिंगल ब्रैक्ट नहीं, वर्ल ऑफ ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज द इनवोल्यूक्रे विच सराउंड द पेडेंकल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनवोल्यूक्रे, ये वर्ड यूज करते हैं। स्पैथे, स्पैथे क्या है? व्हेन अ लार्ज ब्रैक्ट, बहुत बड़ा ब्रैक्ट होगा, कंप्लीटली एनक्लोजेस द होल इनफ्लोरेसेंस, पूरे इनफ्लोरेसेंस को बेटा वो, जैसे सायाथियम में भी मैंने आपको बताया था, सायाथियम में बहुत बड़ा बेटा ऐसा ब्रैक्ट होता है ना, है कि नहीं, पूरे इनफ्लोरेसेंस को घेर लेता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। या तो आप लोगों ने मेज में हम लोगों ने बेटा स्पेडिक्स को पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया था बहुत बड़ा लीफ का जैसे, है ना, कोटिंग होता है। बनाना के केस में भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। So when a large bract completely encloses whole inflorescence, then it is called as spathe. ठीक है, छोटे छोटे बहुत सारे bract हो और वो घेरा बना ले, involucre, involucre. ठीक है, एक ही बहुत बड़ा हो तो spathe, है ना, अरे समझ रहे हो क्या, है कि नहीं? Yes, sir. बहुत बढ़िया। Next one, petaloid bract. Petaloid bract क्या होता है? When the size of the bract is greater than the size of the flower, देखो flower बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पे छोटू सा flower है, white color का flower है, ठीक है। अब ये जो flower है इसके आजू बाजू में 1, 2, 3 ऐसे बेटा leaf like projections आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे bract है और ये खुद colorful है, ठीक है। So बहुत बड़े होते हैं, अदर है ना, flower से बड़े हैं, flower खुद white है, बट वेरियस कलर्ड, देन इट इज कॉल्ड एज अ पेटेलॉइड, मतलब पेटल जैसे ब्रैक्ट है, जैसे पेटल होता है वैसे ये ब्रैक्ट है। एग्जाम्पल है बोगनविलिया, ये देखो ऐसा फ्लावर कभी देखा है आपने, बोगनविलिया? Have you seen this? Yes, sir. No, sir. देख लो, मिलेगा, देखने को मिलेगा, जैसे देखोगे अभी आपको पता भी लगेगा कि हाँ सर, अब तक ऐसा लगता था कि वही फ्लावर है, मतलब जो पिंक। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 लगता है, वैसे ही लगता है, बट अब आपको खुद समझ में आएगा क्योंकि आपको थैलेमस कहाँ पे है ये पोजीशन समझ में आती है ना। सो यस सर, व्हेन द साइज ऑफ द ब्रैक्ट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फ्लावर, तो उसको हम लोग कहते हैं पेटेलॉइड, पर वो कलरफुल है, ठीक है, तो पेटेलॉइड ब्रैक्ट ऐसा हम लोग कहते हैं। नाउ ग्लूम्स, कभी अगर आप लोगों ने मतलब गेहूं जो होता है उसका जो कॉब होता है उसको अगर देखा होगा,
ठीक है, वीट का. Have you, if you have seen that, या सादा कच्चा गेहूं देखोगे. स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्स, बहुत छोटे छोटे ऐसे एकदम से, ये देख सकते हो आप लोग, ग्रीन कलर का है बट स्केली है, बिल्कुल पतला सा है. तो स्केली ब्रैक्ट अगर आपको देखने को मिलेंगे, ये ग्रासेस में ही होते हैं खास करके जो बहुत छोटे हैं. तो स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज ग्लूम्स. इनको क्या बोलते हैं, ग्लूम. ग्लूम मतलब बहुत छोटा वाला. जी फॉर ग्लूम, जी फॉर ग्रास. ठीक है, तो ब्रैक्ट्स इन द ग्रासेस इज एक्चुअली ग्लूम. छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, स्केल जैसे होते हैं, है ना. बहुत बार कलरलेस भी होते हैं. सो आर यू श्योर ग्लूम समझ में आता है. इनवोल्यूक्रे, स्पैथे. ठीक है, डिफरेंसेस आपको आने चाहिए बच्चों. नाउ तो ये रहा बेटा सब कुछ अबाउट, है ना, हम लोग फ्लावर के बारे में अब पढ़ना शुरू कर चुके हैं. उसका जो स्टैक होता है उसको हम पेडिसेल कहते हैं, है ना. फ्लावर के पेडिसेल के एक्सेल में अगर लीव, है ना, में है, अगर है तो वो ब्रैक्टेड है, नहीं तो ई ब्रैक्टेड है. अब बात करते बेटा चारों वर्ल्ड्स के बारे में. आई अगेन रिपीट, देर आर फोर वर्ल्ड्स. I again repeat, two whorls, calyx and corolla, are the accessory whorl. Accessory का मतलब है कि they are not that much essential for the reproduction. ठीक है, androecium and gynoecium are the two reproductive whorls. तो अब हमें क्या करना है, एक एक whorl के बारे में पढ़ना है. We have to study about the single single whorl. पहले कैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोरोला के बारे में, फिर एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम. ठीक है, सो लेट्स सी दिस वन. कैलिक्स में देख लेते हैं. द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड कैलिक्स. सबसे बाहर का जो होता है, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं. ईच मेंबर ऑफ दिस वर्ल इज कॉल्ड एज अ सेपल. एक एक को हम लोग बोलते ये है, ये है, ये है, ये है, वन टू थ्री फोर फाइव, पेंटामेरस है. फाइव सेपल्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं. नाउ अंडरस्टैंड, व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री, जैसे इसमें भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे एक दूसरे से फ्री है, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसेफेलस कंडीशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेफेलस कंडीशन. एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड है, रेडिश है, इनमें आपको बेटा पॉलीसेफेलस कंडीशन देखने को मिलते हैं. सेपल्स आर फ्री, दे आर नॉट फ्यूज्ड. मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूंगा, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा बहुत बार. देखो ये है ब्रिंजल, ठीक है, और इस ब्रिंजल का मैं सेपल बना देता हूँ. सी दिस वन, हैव यू सीन लाइक दिस? यस यस. ठीक है, इवन आपने मतलब जो चीजें घर में देखी है उनके बारे में बात करते. ये है बेटा चिली, ठीक है, हैव यू सीन लाइक दिस? Yes, है ना, आपको दिखाई दे रहा है कि उसके सेपल अभी भी है, फ्रूट बनने के बाद में भी टिके हुए हैं मेन, और फ्यूज्ड है, दे आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, है ना. तो ये पॉलीसेपेलस कंडीशन है क्या? नहीं, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड सेपल्स. फ्री नहीं है ना, ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है, सारा एक ट्यूब बना दिया इन्होंने, ठीक है. तो देखो, व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, then this condition is called gamosepalous condition. तो देखो याद रखना, poly free, gamo fused. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे कह रहे बच्चों gamosepalous condition. अभी example क्या है, जैसे cotton है, दतुरा है, brinjal का भी मैंने आपको बताया. ये दतुरा का plant बेटा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ऊपर ऊपर वो free है, but नीचे जो है ये पूरा उसने एक tube बना लिया है sepal का, दिख रहा है आपको, ठीक है, एंटायर. सो दिस टाइप ऑफ दी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जब क्योंकि वो फ्यूज हो चुके हैं, तो इवन इसके पेटल्स भी फ्यूज्ड है बेटा, तो गैमो पेटेलस भी है ये, ठीक है, गैमो पेटेलस मतलब पेटल्स भी फ्यूज्ड है, सेपल्स भी फ्यूज्ड है, गैमो पेटेलस भी है, गैमो सेपेलस भी है. सेपेलस मतलब सेपल्स का फ्यूज हो जाना, ठीक है. So, है ना, एग्जाम्पल एक कॉटन, ये दतुरा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ब्रिंजल का अभी मैंने बताया. सो सो सेपल्स के बारे में बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि सेपल्स ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, एंड प्रोटेक्ट दी फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. तो देखो इनका मेन तो काम है बेटा प्रोटेक्शन करना, ठीक है. अगर आपने कभी रोज के डायग्राम बनाए होंगे, है ना, बहुत से लोग बनाते हैं,
इस तरह से हम रोज का बर्ड बना लेते हैं, बराबर है ऐसे इस प्रकार का, ठीक है। तो रोज का बर्ड बनाते समय हम लोग इसको मैक्सिमम इतना कवर कर लेते हैं, दिस मच, ठीक है, बाय द सेपल्स, करेक्ट है। तो आपको देखने को मिलेगा जितना छोटा बर्ड होगा ना उतना ज्यादा बेटा वो ग्रीन सेपल से कोटेड होता है, कवर्ड होता है, जितना छोटा बर्ड होगा, ठीक है। इसका मतलब बर्ड कंडीशन में वो अंदर के जितने भी पार्ट है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। दूसरा, क्या सेपल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर बिल्कुल यस है, क्योंकि बेटा वो ग्रीन है यार, है ना, तो सेपल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज दे आर ग्रीन। दो पॉइंट हो गए। देखो अभी एक एग्जांपल है, जैसे इन कैलिक्स ऑफ द मुसेंडा, मुसेंडा नाम का प्लांट है, वन ऑफ द सेपल्स एनलार्जेस एंड फॉर्म्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये बहुत बड़ा ऐसा है ना एनलार्ज हो जाएगा, एंड इट मे बी व्हाइट और ब्राइटली कलर्ड, ये व्हाइट या ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो ये मेनली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, सो इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड दस एक्ट एज एडवर्टाइजमेंट फ्लैग, है ना, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आओ आओ हमारे पास में बहुत अच्छा फ्लावर में नेक्टर है, खाके तो देखो, है ना, अच्छा लगेगा आपको, आओ आओ, ठीक है। तो देखो उसका इंटरेस्ट है पॉलिनेशन में, हमारे पोलन ग्रेन लेके जाओ, तो वो तो थोड़ी आएंगे पोलन ग्रेन लेके जाने, तो बोले आओ आओ, ठीक है। सो ये एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो द अनदर थिंग दे विल डू, बट इट्स नॉट अ प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैलिक्स इज प्रोटेक्शन, रिमेंबर, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या बेटा? प्रोटेक्शन, है ना। फोटोसिंथेसिस वो करते हैं बाय डिफॉल्ट इफ दे आर ग्रीन। नाउ देखो इन ट्रैपा, ट्रैपा के बारे में मैंने बार बार आपको बताया यार, सिंगाड़ा, ठीक है, ये देखो सफेद वाला सिंगाड़ा दिख रहा है, कभी खाया है ना ये ट्रायंगुलर ऐसे समोसे जैसे छोटे होते हैं, नहीं खाए क्या? देखो ये वाले ऐसे देखने को मिलते हैं, वो है ना पूरा भून करके देते हैं हमको, तो ऊपर वाला पोर्शन काला काला होता है, ब्लैकिश, उसको ऐसे खोलना होता है, हाथ पूरे काले काले हो जाएंगे, फिर खाना होता है, ठीक है, बढ़िया लगता है एकदम, टेस्ट सही रहती है, इफ यू हैवंट कंज्यूम्ड इट, ठीक है। देखो हमें मिलेंगे आप महालक्ष्मी वगैरह, हाजी अली वगैरह में जाओगे घूमने, उधर बेटा वो मिलते हैं, है ना, यू कैन परचेस एंड कंज्यूम इट। तब बोलना ट्रैपा, तो ट्रैपा डेफिनेटली हाइड्रोफाइट है, पानी में ग्रो होते हैं। सो इनका जो कैलिक्स है, कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एंड हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रूट। मैं एक और बार आपको पूछता हूँ, क्या आपने ब्रिंजल को कभी सही ढंग से देखा है? मतलब देखो ये ब्रिंजल है, तो क्या आपने देखा है ब्रिंजल के जो सेपल्स होते हैं ना, जो परसिस्टेंट, इनमें ऐसे छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, कभी 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 स्पाइंस भी होते हैं, देखा है क्या? Have you seen? हाँ बिल्कुल, तो दे आर स्पाइनी, है ना, स्पाइनी होते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें तो आपको स्पाइंस में मैंने एग्जाम्पल बताया था आर्जिमोन का, आर्जिमोन स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेपल, तो सेपल्स के भी सरफेस के ऊपर स्पाइन होते हैं, विच प्रोटेक्ट द फ्लावर बड। तो मैंने जैसे कहा कि मेन पर्पस है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन ही मेन उसका पर्पस है। ओके नाउ यहां आते हैं, इन लार्क्सपर एंड बाल्सम, ये प्लांट्स है लार्क्सपर एज वेल एज बाल्सम, ठीक है। The posterior part of one sepal is modified into a narrow tube-like structure. आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, इधर fused sepals है, but इसका posterior part है ऐसे जाकर के turn हो गया, आप हर एक चीज में देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऐसे red color का है ये वाला, ठीक है। तो ये जो होता है, this structure is called as a sepal spur. इसको sepal spur बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, इसमें नेक्टर बहुत ज्यादा जमा करके रखा जाता है ना, तो नेक्टर जो है जब भी जमा रहेगा तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स विजिट करेंगे, ये कलरफुल भी होंगे और ऐसे प्रॉपर एक अलग ही स्ट्रक्चर शो करते हैं जिससे इंसेक्ट्स को वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है फॉर एंटायर पॉलिनेशन मॉडिफिकेशन। देखो आपने कभी देखा होगा कि देखो मैं यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर का ऐसा फ्रूट होता है और इस ब्लैक कलर के फ्रूट के ऊपर बहुत सारे बेटा इस तरह से है ना ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। इवन जब हम लोग क्लासरूम में बैठे रहते हैं या कहीं पे भी, तो वे आपके घर में आते हैं, आपके पास में उड़ते उड़ते आते हैं, आप उनको पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो और फू करते हो, आप भी उड़ाने की कोशिश करते हो, क्या आपने ऐसा कभी किया है? यस सर, यस सर।
एक्चुअली ये है फ्रूट्स ऑफ द सनफ्लावर, ठीक है। इसमें जो कैलिक्स है ये आपको दिखाई दे रहे, इन द फैमिली ऑफ सनफ्लावर कंपोजिटिस सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर, सेपल्स मॉडिफाई हो जाते हैं फ्रूट जैसे, है ना, फ्रूट में सेपल्स है अभी भी, बट वो सेपल्स अभी भी फ्रूट को अटैच रहते हैं और वो हेयर जैसे हो जाते हैं। इसी को हम लोग पैपस कैलिक्स बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, पैपस कैलिक्स कहते हैं। द पैपस इज अ मॉडिफाइड कैलिक्स एंड हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट, तो फ्रूट डिस्पर्सल में ये हमें मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द सेपल्स, क्लियर है? यस सर, है ना, मतलब बहुत ही आसान सी चीजें हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक। नेक्स्ट वन, अभी देखो ड्यूरेशन ऑफ सेपल्स के हिसाब से भी, है ना, अलग अलग प्रकार के सेपल्स होते हैं, जैसे कि सेपल्स विच फॉल जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, मतलब जैसे इधर फ्लावर ओपन हो गया उधर सेपल पूरी तरह से गिर जाएंगे, फॉल डाउन, रहते ही नहीं, फ्लावर ओपन सेपल्स गायब, मतलब ओपन फ्लावर में आपको सिर्फ पेटल दिखाई देंगे, सेपल देखने को नहीं मिलते। ऐसे सेपल्स को हम लोग कैडुकस सेपल्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैडुकस, जल्दी से निकल जाते हैं, है ना, काटता पाएंगे तब, कैडुकस सेपल्स, ठीक है, सी सिंपल। सो ये पॉपी प्लांट में आपको देखने को मिल रहा है, ओपियम, है ना। नेक्स्ट, इफ सेपल्स फॉल आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन होने दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन, देन दिस इज कॉल्ड एज द डेसीड्यूअस सेपल्स, एग्जाम्पल मस्टर्ड, ठीक है, मतलब जब तक बेटा पॉलिनेशन नहीं हो जाता तब तक सेपल्स होते हैं, और जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद में सेपल्स विल फेल डाउन, ठीक है, सो दैट इज व्हाट द डेसीड्यूअस। तीसरा होता है बेटा परसिस्टेंट सेपल्स, परसिस्टेंट सेपल जैसे कि टोमेटो में, कैप्सिकम में, ब्रिंजल में, कॉटन में, धतूरा में आपको देखने को मिलेगा, मतलब फ्रूट बन जाने के बाद में भी बेटा ये सेपल्स आपको, है ना, देखने को मिलते हैं। तो तीन प्रकार हो गए बेटा, एक है कैडुकस, एक है डेसिड्यूअस, और एक है बेटा परसिस्टेंट सेपल, आसान है, ठीक है। ब्रिंजल आप देखोगे, टोमेटो देखोगे तो आपको 100% दिखाई देगा, अच्छा परसिस्टेंट सेपल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी हो गया, फ्रूट भी बन गया, तब भी सेपल हटा नहीं, वहीं पे फ्रूट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे तीन डिफरेंट टाइप बेटा आपको, है ना, टाइम मतलब ड्यूरेशन, कितने दिनों तक वो सेपल्स अटैच होते हैं ये हमें देखने को मिलता है। कभी कभी सेपल्स के साथ साथ बेटा उनके नीचे और छोटे से सेपल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एपिकैलिक्स। तो समटाइम बिलो कैलिक्स, है ना, समटाइम बिलो कैलिक्स अ वॉल सिमिलर टू अ सेपल्स इज फाउंड विच इज कॉल्ड एज अ, उसको हम लोग बोलते हैं एपिकैलिक्स। ये आपको चाइना रोज में, हिबिस्कस के प्लांट में देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द सेपल्स, यस, क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो सेपल्स के बारे में। देखो इसमें एक थॉट आपके दिमाग में बिल्कुल मत आने देना, वो क्या होता है, याद रहेगा क्या, ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, याद उसी को रहेगा जो रिवाइज करेगा, दैट इज ओनली द थिंग, ठीक है, यही सिंपल है, पक्का। इवन मैं अपने बारे में बोल देता हूं, अगर मैंने समझ लो 3 या 4 साल नहीं पढ़ाया ना कंटिन्यूस ये सब चीज है, तो मैक्सिमम मेरी चीज से, मेरे दिमाग से भी बहुत सारे जो इसके एग्जाम्पल है या चीजें हैं निकल जाएंगे, यस इट्स ट्रू, ठीक है। और ये सबके लिए सेम है, बिकॉज वी ऑल हैव द सेम टाइप ऑफ द ब्रेन, कुछ कुछ होते हैं बहुत ज्यादा हाईली एडवांस उनका ब्रेन होता है, ठीक है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म पे बहुत सारी चीजें रिटेन रख पाते हैं, ठीक है, बट सारी ही चीजें याद रखना ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट रिवाइज इट टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। फर्स्ट आपका एम है वो है एनसीईआरटी में जो जो एग्जाम्पल्स है, पीवाईक्यूज में जो जो एग्जाम्पल्स है वो पहले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं वो सारी ही बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो, है ना, पॉसिबल है, जितना हम लोग जान सकते जान ले, ठीक है, पक्का। अब आते हैं बच्चों कोरोला की तरफ। कोरोला ऑब्वियसली बेटा सेकेंड मोस्ट वहल है, क्योंकि सबसे बाहर तो कैलिक्स था, है ना,
तो कोरोला के बारे में अगर हम बात करें तो द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला, है ना, थोड़ा सा मैच करता है ये, कोरोना कोरोला है कि नहीं. सो एंड ईच मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड एज अ पेटल, है कि नहीं. But when the shape and size of the petals are similar, then it is called as a symmetrical. And when they are not similar, then they are called as asymmetrical. तो वैसे भी मैंने आपको बच्चों बताया था, ठीक है, अभी आपको symmetrical flower और asymmetrical. Asymmetrical में आपने देखा क्या नाम है, अलग अलग size और shape के petals आपने देखे, इसलिए उसका हम लोग asymmetrical flower भी कहते हैं. Now see, when all the petals are free, क्या बोलेंगे रे, polypetalous, बराबर. And when the petals are fused, क्या बोलेंगे, gamopetalous condition. आसान है ये. But देखो petals का एक speciality कि they are usually brightly colored to attract insect for pollination. अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने ब्राइटली कलर्ड में ऐसा डायग्राम डाला है जिसमें व्हाइट फ्लावर है. Have you seen the white flower? Yes or no? है ना, निशिगंधा, मोगरा, ये सब व्हाइट फ्लावर होते हैं. तो याद रखना बेटा, जो भी फ्लावर्स व्हाइट कलर के होते हैं उनकी एक स्पेशलिटी होती है, उनका फ्रेग्रेंस जो है ना, स्मेल बहुत अच्छा होता है. पारिजातक, निशिगंधा, रात रानी, ठीक है. Have you, है ना, observed this phenomenon? है ना, जो flowers white है ना, उनका smell, उनका जो fragrance है, is, है ना, another level. बिल्कुल बढ़िया, है ना. अब आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये जितने भी plants होते हैं, flowers होते हैं, obviously they want to attract the insect, either by the smell, fragrance or by the color. ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है. बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड ये रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इनका फ्रेग्रेंस होता है. या तो नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स है, और नॉक्टर्नल इंसेक्ट जो होते हैं जिनको कलर से कोई मतलब नहीं है, स्मेल के सेंस से मतलब है. तो नॉक्टर्नल इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होने वाले जितने भी फ्लावर है सारे व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है. सो दैट्स इट, वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग, पक्का, ओके. नाउ देखो, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कोरोला हमें देखने को मिलते हैं. देखो मेन फंक्शन कोरोला का है अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, ये बात याद रखो, है ना. मेन फंक्शन कोरोला का क्या है रे, अट्रैक्ट द पॉलिनेटर बाय द कलर और बाय द स्मेल, यस, ठीक है, और बाय द शेप एंड साइज. उनके शेप साइज भी वैसे हो, है ना, मॉडिफाइड होते हैं जिससे वो, है ना, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके. तो देखो फॉर्म्स ऑफ कोरोला दो प्रकार के हैं, एक तो है पॉलीपेटलस होता है, बराबर है. अभी देखो यहाँ पे हम लोग देखने को मिले क्रूसीफॉर्म, एक पूरी फैमिली है ब्रासिकेसी जिसको हम लोग क्रूसीफेरी बोलते हैं, है ना, क्रॉस जैसे होता है ना, वैसा ही यहाँ पे हमें देखने को मिला, है ना. तो ये है 1, 2, 3, 4, चार पेटल्स आपको दिखाई दे रहे, टेट्रामेरस कंडीशन दिखाई दे रही है ना. अभी मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, है कि नहीं, क्रूसीफेरी, बराबर है, क्रूसीफॉर्म, बराबर. उसके बाद है बेटा कैरियोफाइलेसियस, ये आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4, और एक है रोजेसियस, रोजेसियस में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. सो लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोरोला यू कैन सी, है ना, इन पॉलीपेटलस, ये सारे पॉलीपेटलस है, ठीक है. नाउ देखो क्रूसीफॉर्म में आपको, इन क्रूसीफॉर्म कोरोला चार पेटल्स होते हैं, आर फाउंड, है ना, एंड द लोअर नैरो पार्ट ऑफ द पेटल इज कॉल्ड क्लॉ, व्हाइल द अपर ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड एज लिंब, मतलब ये पेटल ऐसे होता है, ठीक है. तो ये लोअर पार्ट जो होता है क्लॉ है, अपर वन इज कॉल्ड एज व्हाट, द लिंब, ठीक है, ऐसे होता है. सो दिस पेटल्स आर अरेंज्ड इन क्रॉसवाइज मैनर, क्रॉसवाइज मैनर में होते हैं 1, 2, 3, 4, क्रॉस जैसे होता है वैसे है, इसलिए उसको हम क्रूसीफेरी कहते हैं. रेडिश में होता है, मस्टर्ड, ये सारे ब्रासिकेसी फैमिली है. इसका नाम क्या है रेडिश का, रेडिश का नाम क्या है, रेडिश का नाम बताया था मैंने आपको, रफानस सैटिवस, एक्जेक्टली, ठीक है, रफानस सैटिवस, ठीक है.
और ये जो है मस्टर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रासिका, ठीक है। तो ये ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नाउ बेटा कैरियोफाइलेसी, शायद आपने ऐसा फ्लावर देखा होगा, ठीक है, मे बी। इफ इट कंसिस्ट ऑफ फाइव पेटल्स, द क्लॉ ऑफ पेटल्स आर शॉर्ट एंड द क्लाइंब ऑफ पेटल्स आर अरेंज एट अ राइट एंगल टू द क्लॉ, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, ये देखो एक एक जो है दूसरे को ओवरलैप करते हुए आपको दिखाया जा रहा है, मतलब ये एक है तो दूसरे को इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, आप देख पा रहे हो, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको कैरियोफाइलेसियस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज सीन इन केस ऑफ द डायंथस, ये खुद डायंथस है या जिप्सोफाइला में, ठीक है, आपको ये चीज देखने को मिलेगी। कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट आई एम शोइंग यू द ब्यूटी ऑफ द नेचर, दैट्स इट, ठीक है। रोजेसियस, रोजेसियस में आप जानते हो, ये भी आपको पता है, या रोज में ऐसे ही पेटल होते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ फाइव और मोर पेटल्स, सी इट्स अ फाइव और मोर पेटल्स, ठीक है। क्लॉज आर अब्सेंट एंड इनमें डायरेक्ट बेटा क्लॉज नहीं होते, ये ऐसा होता है सीधा सीधा अटैच होता है, आप देखो है ना, रोज का एक भी पेटल निकाल करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा। क्लॉज आर अब्सेंट एंड लिम्स स्प्रेड रेगुलर आउटवर्ड, है ना, इस तरह से आउटवर्ड रेगुलर में वो स्प्रेड होते हैं, रोज में कोकोनट में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आता है बेटा गैमोपेटेलस, गैमोपेटेलस में तो बाप बहुत टाइप है भाई, देखो यहाँ पे आता है बेल शेप्ड, उसके बाद आता है फनेल शेप्ड, फिर आता है ट्यूबुलर, फिर आता है विल शेप्ड, देखो ये है ट्यूबुलर, ये है ना कैंप्यूलेट, ये है इनफंडिबुलम, ये है रोटेट, हाइपर लिब्युलेट, ठीक है। लिग्युलेट मतलब टंग जैसा, ये वर्ड मैंने आपको कहाँ बताया, कौन बताएगा, लिग्युल, लिग्युलेटेड लीफ आर प्रेजेंट इन, यस एनीवन, सिलाजिनेला, बहुत बढ़िया, सिलाजिनेला में होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे बेटा अलग अलग प्रकार के पेटल्स आपको देखने को मिलते हैं, देखो ये है कैंपेनुलेट और बेल शेप स्ट्रक्चर, उसके बाद ये है फनेल शेप स्ट्रक्चर, फनेल जैसे होते हैं ट्यूब जैसे दतुरा में, ट्यूबुलर है आपको देखने को मिलेंगे, इवन सनफ्लावर में आपको देखने को मिलते हैं, डिस्क फ्लोरेट्स में, व्हील शेप्ड होते हैं, व्हील जैसे एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। या तो देखो अभी जाइगोमॉर्फिक है ना पॉलीपेटेलस कोरोला, ये पैप्यूलनेशियस है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इसके पेटल देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेटल होता है, नीचे दो छोटे छोटे एक दूसरे से जुड़े हुए और बाजू में दो होते बेटा, इनको हम लोग इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड या वेक्सिलम कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं विंग्स, इनको बोलते हैं विंग्स, ठीक है, और ये होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं कैरीना, करीना नहीं कैरीना, कैरीना, ठीक है। तो अलग अलग है, यहाँ पे आपको ना चीजें देखने को मिलती है। पोस्टीरियर पेटल इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा पेटल होता है, is known as a standard or vexillum, ठीक है, इसमें पांच पेटल है पर एक का भी सबके साइज वेरी कर रहे हैं। Vexillum covers two lateral petals which are called as wings या alli, ठीक है, तो ये है alia, ठीक है, दोनों तरफ, and the innermost anterior petals are united to form the keel or carina, ठीक है, मतलब alia और carina दोनों इस फ्लावर में प्रेजेंट है, ठीक है, स्टैंडर्ड सबको है ना ढक करके रखता है। सो बी केयरफुल, वेक्सिलम ये उसमें होता है सबसे बड़ा जो पेटल होगा, इट्स अ वेक्सिलम, बाजू में जो छोटे छोटे दो है ना होते हैं वो है विंग्स, और इधर बेटा जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो होते हैं बेटा छोटे वाले दो, ये है कैरीना, ठीक है। याद रखना ये तीनों पॉलीप है बट ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, जिसको कील या कैरीना बोलते हैं। Both the lateral petals cover the keel, है ना, तो ये lateral petal जो है keel को भी cover करते हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है pea, gram, arhar, जितने भी papilionaceae leguminous plant है उन सब में बेटा आपको ये standard wing और carina या keel वाला जो flower है ना vexillar, vexillary flower इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी फ्लावर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। और डेफिनेटली ये जाइगोमॉर्फिक है। दूसरा जाइगोमॉर्फिक है बेटा बायलैबिएट,
बायलेबिएट में द पेटल्स ऑफ गैमोपेटलस कोरोला आर डिवाइडेड इनटू टू लीव्स. इसमें बस दो लीव्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दैट्स इट. और यहाँ पे है इस तरह से आपको कंडीशन देखने को, द प्लेसेस बिटवीन टू लीव्स इज कॉल्ड अस कोरोला माउथ. तो ये माउथ जैसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है. ऑसिमम या सेल्विया, इन्हें को लेबिएट बोलते हैं या बायलेबिएट बोलते हैं डायरेक्टली, ठीक है. बायलेबिएट मतलब इनमें सिर्फ दो ही पेटल्स होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, दैट्स इट, ठीक है. बट ये भी जाइगोमॉर्फिक है, मतलब ओनली वन प्लेन में आपको इसको आप देखने को मिलेगा. पर्सोनेट आपको टंग जैसा देखने को मिला. इन दिस केस ऑल्सो द कोरोला इज बायलेबिएट बट द टू लीव्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो उतना जितना गैप नहीं होता, यहाँ पे आप देख सकते हो अपर और नीचे लोअर लीफ जो है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के, है ना. एंटीरिनम है ना, इसके बारे में आप जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ोगे, इसको डॉग फ्लावर कहते हैं, ठीक है. इसको क्या कहते हैं, डॉग फ्लावर, इट्स कॉल्ड स्नैप ड्रैगन. इसको कहते हैं स्नैप ड्रैगन, डॉग जैसा कुत्ते जैसा दिखाई दे रहे थे, डॉग फ्लावर है ना, भो भो करेगा यहाँ से, ठीक है. सो एंटीरिनम मेजस ये फ्लावर का नाम है. आपको जेनेटिक्स चैप्टर जब पढ़ोगे आप 12th स्टैंडर्ड में, तो आपको एंटीरिनम मेजस के नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है. लिग्यूलेट ऑब्वियसली बेटा लिग्यूल जैसे यहाँ पे है आपको दिखाई दे रहे हैं. रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर आर लिग्यूलेट, दैट्स इट. नाउ अब आते हैं बेटा मेन पॉइंट पे. अभी जो मैंने वही ऐसे ही बताया, मेन पॉइंट है बेटा ये अगेन वीवीआईपी है, चौथा बेटा फोर्थ वीवीआईपी पॉइंट आया जो हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एस्टिवेशन क्या चीज है भाई, देखो अगर मैं किसी भी फ्लावर को ड्रोन व्यू से देखूंगा, ड्रोन व्यू पेटल्स को उसके अरेंजमेंट को, तो वो मुझे कैसे दिखाई देंगे, उसी को मैं एस्टिवेशन कहता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज एस्टिवेशन. The mode of arrangement of sepals or petals in a floral bird with respect to the other members of the same whorl is known as aestivation. तो है ना, बाकी sepals के हिसाब से sepals arrange कैसे हैं, या बाकी petals के हिसाब से petals का arrangement कैसा है, इस हिसाब से बेटा हम लोगों को है ना बहुत सारे टाइप हमें पढ़ने हैं. वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्विनक्विंशियल है, ठीक है. वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विनक्विंशियल, ठीक है. जस्ट आई वांट टू शो यू, क्योंकि मैं अभी यहाँ डायग्राम बनाना चाहता हूँ. देखो मेरे पास ये है फ्लावर, बड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे है ना, ये है फ्लावर, ये उसका बेटा एक पेटल मैंने बनाया, ठीक है. ये दूसरा पेटल मैंने बनाया, ठीक है. और तीसरा पेटल मैंने ऐसे बनाया, तो एक्चुअली इसमें तीन ही पेटल है, थ्री पेटल्स आर देयर. तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो ये वाला जो पेटल है ये वाला, ठीक है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, और तीन है, ट्राइमेरस कंडीशन है, तीन पेटल्स है. बट इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि देखो एक बहुत बड़ा पेटल है बाहर दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर से देखने पे मुझे ऐसा दिखाई देगा. एक जो है बिल्कुल एक ऐसा है जो यहाँ से अंदर से आया है बट यहीं तक आया है, और एक जो है इनके अंदर है. वन पेटल इज कंप्लीटली इनर, वन पेटल इज कंप्लीटली आउटर, एंड अनदर पेटल इज अ ट्विस्टेड. आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा बाहर है, ये पूरा अंदर है, और ये बेटा देखो ट्विस्टेड है, दिख रहा है. एक उसका साइड अंदर दबा पड़ा है, एक बाहर है, दिख रहा है कि नहीं. सो वन इज ओवरलैप्ड, ओवरलैपिंग, वन इज कंप्लीटली आउटसाइड, वन इज कंप्लीटली इनसाइड. तो ये है देखो, इसको बोलते हैं एस्टिवेशन. जब मैंने ऊपर से उसको देखा, मतलब ड्रोन व्यू से देखा इसी फ्लावर को, तो मुझे वो ऐसा दिखाई दे रहा है. तो लेट्स सी ये सारे टाइप क्या है, वेलवेट क्या है, ट्विस्टेड क्या है, इम्ब्रिकेट क्या है, क्विनक्विंशियल क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. और इसको याद भी अभी करना है, मतलब जैसे आपको अभी मैंने है ना चीज बताई वैसे यहाँ पे देख लेते हैं. नाउ सी दिस इज वेरी सिंपल, ये है फ्लावर आपके सामने है,
है ना, ये देखो ये एक पेटल है, ये एक पेटल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, दिस इज वन पेटल, ये एक पेटल है, तो बेटा पांच पेटल है। जब इनको मैंने ऊपर से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि ये देखो ये पेटल का मार्जिन, ये पेटल का मार्जिन इस तरह से ये है, इस तरह से यहाँ पे आपको बेटा ये दिखाई दे रहा है, अगर बाकी दूसरा है तो सारे पांचों पेटल जो है वो एक लाइन में एक दूसरे के आजू बाजू में है, कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, कोई किसी से कवर्ड नहीं है, है ना। सो व्हेन द पेटल्स ऑफ अ वर्ल lie adjacent to other petal and just touch one another at their margins, तो बस वो उसके margins touch हो रहा है, बाकी वो किसी कोई किसी को cover नहीं कर रहा है, ठीक है, without overlapping, कोई किसी को overlap नहीं कर रहा है, not at any point, ठीक है, they are all arranged on the same line, तो इस condition को हम लोग velvet estivation कहते हैं, ठीक है, वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, वेलवेट एस्टिवेशन, मैं क्या कहता हूं ना इसको, मैं हमेशा इसको बोलता हूं वेलवेट कैलवेट, ऐसे बोलता हूं, मेरे दिमाग में बैठा लिया मैंने वेलवेट कैलवेट, ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि कैलवेट जैसे ही बोलता हूं तो मुझे पहला ही एग्जाम्पल याद आता है वेलवेट कैलोट्रोपिस, ओके डन, बाकी भी एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि कैलवेट सी आया तो कस्टर्ड एप्पल सी से शुरू होता है, एंटायर क्रूसीफेरी फैमिली सी से शुरू होता है ना, कैलिक्स ऑफ दतुरा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो कि सी से ही शुरू होता है, वेलवेट कैलवेट, कैलवेट बोलते हैं कैलवेट में कैलोट्रोपिस, कैलवेट में कैलिक्स ऑफ दतुरा, कैन यू रिमेंबर वेलवेट कैलवेट, है ना। और ऐसा क्वेश्चन आता है अगर पेटल्स के या सेपल्स के मार्जिन एक दूसरे को टच हो रहे हैं विदाउट ओवरलैपिंग तो वो कौन से प्रकार का एस्टिवेशन है, सिंपल वेलवेट एस्टिवेशन, वेलवेट कैलवेट, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस तीसरी बार आया आपको, सफेद रुई है ना हनुमान जी को चढ़ाते, यस और नो, यस एवरीवन, है ना, कैलोट्रोपिस, कस्टर्ड एप्पल कभी खाया है आपने, कस्टर्ड एप्पल खाया है कि नहीं, हैव यू कंज्यूम द कस्टर्ड एप्पल और नॉट, यस सर, है ना, एनीवे नाउ देखो दूसरा होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या है आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये अगर देखोगे तो इसका पेटल है ऐसा, इसका पेटल है ऐसा, इसका पेटल है ऐसा, इसका पेटल है बेटा ऐसा, इसका पेटल है ऐसा, आपको दिखाई दे रहा है इस फ्लावर को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वन मार्जिन अनदर मार्जिन सी क्या हो रहा है यहाँ पे, वन इज ओवरलैप्ड एंड अनदर इज ओवरलैपिंग, करेक्ट है, है ना, आपको दिखाई दे रही है बात, वन इज ओवरलैप्ड, ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ऐसा बना लिया ये है, यहाँ पे हमने बना लिया ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया ऐसा है, मैंने ट्राइमेरस कंडीशन बनाई है, कैन यू सी, सॉरी थोड़ा सा इसको है ना अरेंज करते हैं, ओके, ये ओवरलैप्ड है, ये ओवरलैपिंग होगा, ये ओवरलैप्ड है, ऐसा होगा, नाउ ठीक है, तो ये जो है बच्चों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग अनदर मार्जिन इज ओवरलैप बाय अनदर वन, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, सो इन दिस टाइप वन मार्जिन ऑफ पेटल कवर्स द एडजेसेंट पेटल एंड द अदर मार्जिन इज कवर्ड बाय द अनदर पेटल, one margin of the petal overlaps that of the next one and the other margin is overlapped by the another one, to ye chalta rehta hai sab bhi jitne bhi petals hai sab mein aisa aapko dekhne ko milta hai, theek hai, so that is the simplest thing we have to understand, one margin of the petal overlaps that of the next one and the other margin is overlapped by the another one, so this is called as, do alag alag statement hai, theek hai,
सो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है ना, ओवरलैप और कवर, ये वर्ड अलग अलग बनाए. ट्विस्टेड इसको हम लोग कहते हैं, ट्विस्टेड. नाउ देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. हम लोग ऐसा बोलते हैं, जोक्स में ही सही पड़ा, ऐसा बोलते हैं कि टू अंडरस्टैंड अ फीमेल इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर सो मच ट्विस्टेड. ठीक है, देयर ब्रेन्स आर वायर्ड. ठीक है, सो पेंडोरा बॉक्स जैसा उनका ब्रेन होता है. दे हैव लॉट ऑफ मल्टीपल टास्किंग थिंग्स इन देयर ब्रेन. सो जोक्स अपार्ट, अगर हम उस चीज को यहाँ पे यूज करें, तो मैंने क्या किया, एक चाइनीज लेडीज है, ट्विस्टेड आया, ट्विस्टेड में, ट्विस्टेड से दिमाग में आया, चल लेडीज को ऐसा बोलते हैं. एक चाइनीज लेडी है, ठीक है, चाइनीज है लेडीज, है ना, नॉर्मल हमारे इंडियन नहीं है, चाइनीज लेडी. ठीक है, उसके हाथों में कॉटन है. क्या है बेटा, उसके हाथों में कॉटन है. ठीक है, इतना ही है बस. अभी देखो, ऐसे जैसे मैंने बोला, ट्विस्टेड का एग्जाम्पल है, ट्विस्टेड, ओके, ट्विस्टेड, अ चाइनीज लेडी हैविंग कॉटन इन हर हैंड एंड दैट्स इट, डन. ठीक है, चाइनीज बोलते ही दिमाग में आता है चाइना रोज, लेडीज, द लेडी फिंगर एंड द कॉटन. ठीक है, और वियरिंग अ कॉटन सारी और वॉट एवर मे बी, यू कैन रिमेम्बर हाउ यू कैन इमेजिन, यू कैन इमेजिन. ठीक है, सो दिस इज वॉट द एग्जाम्पल, कॉटन, गॉसिपियम, लेडीज फिंगर, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस बोलते हैं. लेडीज फिंगर मतलब बिंडी, है ना, बिंडी, या ओखरा भी कहते हैं इसको, ओखरा. अरे क्या है यार, बिंडी को ओखरा कहते हैं, ओखरा कहते हैं, बिंडी कहते हैं, लेडीज फिंगर कहते हैं, है ना, ये उसका बॉटनिकल नेम है, एब्लेमोस्कस एस्कुलेंटस, दिस इज द नेम ऑफ द बिंडी. गॉसिपियम is the name of the cotton, hibiscus is the name of the china rose. मतलब जो मालवेसी फैमिली है उनमें बेटा आपको ट्विस्टेड फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. तो जस्ट रिमेम्बर, अ चाइनीज लेडी, इफ यू कैन इमेजिन राइट नाउ, अ चाइनीज लेडी हैविंग कॉटन इन हर हैंड और वॉट एवर मे बी वियरिंग अ कॉटन सारी, लाइक एनीथिंग यू कैन इमेजिन. ठीक है, इफ यू इमेजिन दिस यू विल रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्विस्टेड. सो वेलवेट, कैलवेट एंड ट्विस्टेड. यस, नाउ आता है बेटा इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल याद रखने से पहले इसको समझना सबसे पहले जरूरी है. देखो, वेन बोथ द मार्जिन ऑफ द वन पेटल आर कवर्ड बाय द अदर टू पेटल्स एंड बोथ द मार्जिन ऑफ द अनदर वन कवर्स द अदर, नाउ रेस्ट आर अरेंज इन अ ट्विस्टेड मैनर. इसका सीधा मतलब है, हिंदी में है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें ऐसा होता है कि एक पेटल कंप्लीटली इनसाइड है, यू कैन सी दिस वन, उसके दोनों मार्जिन जो है कवर्ड है, एक पेटल कंप्लीटली इनसाइड है. यस, दिख रहा है ना. अब यहाँ पे बाकी जो पेटल्स के बारे में देखोगे, तो ये वाले पेटल के बारे में देखो, ये पेटल पूरा कंप्लीटली आउटसाइड है, दिस पेटल इज कंप्लीटली आउटसाइड एंड अदर थ्री रिमेनिंग आर ट्विस्टेड, है ना, कवर्ड, कवरिंग, कवर्ड, कवरिंग, बराबर है, एंड देन अगेन कवर्ड, कवरिंग. सो यू कैन सी दैट कि जब भी पेटल्स जो होते हैं, जब भी आप पेटल्स के बारे में बात करोगे, वेन एवर यू सी दिस पेटल्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, ठीक है, ये कंप्लीटली बेटा, ये कंप्लीटली इनसाइड है, ये कंप्लीटली आउटसाइड है, बाकी सारे जो है वो है ना, ये कंप्लीटली आउटसाइड है. ठीक है, तो वेन एवर यू सी दिस टाइप ऑफ कंडीशन, वेन वन पेटल कंप्लीटली इनसाइड, वन पेटल कंप्लीटली आउटसाइड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट. बाकी सारे बेटा ट्विस्टेड है. सो वेन बोथ द मार्जिन ऑफ द वन पेटल आर कवर्ड बाय द अदर टू पेटल्स एंड बोथ द मार्जिन ऑफ अनदर वन कवर्स अदर. ठीक है, और इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप, ये वही पॉइंट है, इसको हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम लोग, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन कहते हैं. सो सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, बस वो है बस. ठीक है, सो इसमें दो टाइप है बच्चों, देर आर टू टाइप्स, इट इज अ टू टाइप्स. एक को बोलते हैं असेंडिंग इम्ब्रिकेट. ये क्या है देखो, असेंडिंग इम्ब्रिकेट, और दूसरा क्या है, दूसरा है वेक्सिलरी, जिसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट. ठीक है, तो दो प्रकार है इम्ब्रिकेट में. आपको समझना है कि वन इज कंप्लीटली इनसाइड, वन इज कंप्लीटली आउटसाइड.
नॉन यूनिफॉर्म ट्विस्टेड, यस बोल सकते हैं। सो अगर आप ये चीज देखोगे ना, इसमें आपको बहुत नॉर्मली आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि असेंडिंग इम्ब्रिकेट क्या है और डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट क्या है, और बेटा क्विनक्विंशियल कंडीशन क्या होती है, ठीक है, और इनके एग्जांपल्स, ये सब चीजें जो है बेटा हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आखिरी नोट, वेलवेट कैलवेट, कैलवेट का मतलब है कैलोट्रॉपिस, कैलवेट का मतलब है कैलिक्स ऑफ द दतुरा, कैलवेट का मतलब बेटा कस्टर्ड एप्पल, याद रखो, ठीक है ना। इम्ब्रिकेट में याद रख सकते हो चाइनीज लेडी हैविंग कॉटन इन हैंड और वियरिंग कॉटन साड़ी वॉट एवर, तो दिस इज अ ट्विस्टेड वन। सो अगर ये दो चीजें आपको याद रही तो बाकी आराम से याद रह सकते हैं। तो आज के लिए बस प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू सर।